हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, एक बार स्वागत है आपका फिर से आज के इस सेशन में। बुलसाई सीरीज जो की थी, काफी बच्चों ने इसकी डिमांड की हुई थी, एक बार फिर से वापस आ चुकी है। एंड द रीजन इज बिकॉज हमारा जो जेई मेंस का जो एग्जाम है वो शिफ्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस करेंट सिचुएशन इन आर कंट्री। ओके, तो चलिए गाइस, इसी बात को याद रखते हुए यही सारी कंडीशंस है। मैं आपको क्या क्या होने वाला है बुलसाई सीरीज में आई थिंक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको नहीं आइडिया है तो सुन लीजिए। अभी जैसे हमारे पास में 12 नून पर मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो गाइस 12 नून पर जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं इसके बाद में हमारे पास में क्या आएगा, 5 PM पर आज मैं इसके PYQs को डिस्कस करूंगा अच्छे से, और 7 PM पर हम इसके एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गाइज, माई नेम इज युगल एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर ऑन JEE 24/7। ओके, उसके अलावा गाइज बात करें तो ये आप मेरे क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कहाँ से मैंने पास आउट किया है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। और अगर हम बात करें बच्चों, क्या अगर कहीं आपको क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको सारी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन चाहिए वो है आपका JEE 24/7, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, केवल इस लेक्चर पर चले जाना आपके पास में, इस टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, आपको सारे लेक्चर्स की अनाउंसमेंट, सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन एक साथ एक जगह पर मिल जाएगी। गुड आफ्टरनून प्रशांत, प्रियांशु, ब्रिस्ट, ओके गुड आफ्टरनून बेटा। तो आपको एक ही जगह पर एक साथ मिल जाएगी, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। फर्दर गाइस बात करें तो और भी स्पेशल क्लासेस मेरी होती रहती हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट लिंक बनाया हुआ है tinyurl.com अनअकैडमी युगल स्पेशल, आप यहां पर जाकर के देख सकते हैं, राइट। चलिए दो बातें इंपॉर्टेंट, अनअकैडमी प्रोडिजी और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, फटाफट से जान लेते हैं। अनअकैडमी प्रोडिजी क्या है? एक टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना, केवल एनरोल करना है। कौन सा कोड यूज करके? युगल कोड को आपको यूज करके एनरोल करना है। और बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है आपके पास में 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, KKR की टीम के प्लेयर से जीतने का मतलब मिलने का मौका, और लास्ट ईयर भी जिन बच्चों ने दिया था बाद में उनकी रैंक भी अच्छी आई थी। तो मतलब ये बात है कि ऐसा नहीं है कि से अच्छे बच्चे भी इसको प्रेफर करते हैं और इसका फायदा भी उठाते हैं। तो उसके अलावा और फायदा क्या है? आपके पास में KKR के प्लेयर के साथ मिलने का मौका मिलेगा, 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, मैकबुक मिलेगा, आईपैड मिलेगा, आईफोन मिलेगा, अमेजन इको मिलेगा, तो बहुत कुछ है अनमोल। हाय बेटा, तो यानी आपके पास में गाइस बहुत कुछ है एक बार करने को। क्या कोड से यूज करना है? आपको युगल कोड यूज करना है बाय एनरोलिंग, तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फायदा ही है। उसके अलावा डिटेल्स के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर के एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को अगर हम लें तो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन आप अवेल कर सकते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? आपके पास में यहाँ पर लाइव क्लासेस रहेंगी, आपके पास में अनलिमिटेड एक्सेस है कि आप किसी भी एजुकेटर्स की क्लासेस को जाकर के देख सकते हो। और अगर आप इसकी जगह आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का गाइस क्या बेनिफिट्स है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपके पास में 1-on-1 गाइडेंस मिलती है टेस्ट एनालिसिस, प्लस पर्सनल आपको गाइड करते हैं, स्टडी प्लानर मिलता है, तो बहुत कुछ है ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, इस बात का फायदा उठाइए, राइट गाइस। चलिए आगे बढ़े, प्राइसेस के बारे में एक बार बात करें तो गाइस प्लस के प्राइसेस ये रहे 34,650 फॉर 12 मंथ, लेकिन आपको इसमें कैश बताता हूं, कल तक यानी 21 अप्रैल तक अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहां पर 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। यानी कि सर इसका क्या बेनिफिट है? तो यानी कि ये जो प्राइसेस है ना ये आपका हो जाएगा कितने का? 15 मंथ का, तो अराउंड ये मेरे हिसाब से 2200 के आसपास पड़ेगा, तो बेनिफिट उठाइए। और यहां पर भी अगर आप लिखोगे 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 मंथ एक्स्ट्रा यानी के 28, तो ये आपका 1900 पर मंथ के आसपास पड़ेगा। तो गाइज ये मौका है, इसको हाथ से मत जाने दीजिए, फायदा उठाइए। परसों तक, कल तक का चांसेस है आपके पास में 20 एंड 21 अप्रैल तक के सब्सक्रिप्शन के। हम बढ़ते हैं आगे, कहां पर सबसे पहली स्टार्टिंग करेंगे, कहां से? पीरियोडिक मोशन से। देखो बुलसाई सीरीज का मतलब ही यही है कि हम टारगेट पर फिक्स रखेंगे और हर चीज को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास में आता है पीरियोडिक मोशन।
क्या है ये पीरियोडिक मोशन, क्या कोई बताना चाहेगा कैसे काम करता है? देखो पीरियोडिक मोशन का मतलब है एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल। हेलो अरेन, एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अगर आप यहां पर देखोगे गाइस, तो मून अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है, अर्थ भी अपने पाथ को रिपीट कर रही है, तो क्या हमारे पास में ये पीरियोडिक मोशन नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। अल्टीमेटली कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि रिपीट इट्स पाथ, इसके पाथ का रेपिटेशन होना चाहिए। अगर ये कहानी समझ में आई तो फिर मैं आगे बढ़ूं, राइट। अब आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो टाइप्स का मोशन। टू एंड फ्रो मतलब एक उसकी होगी गाइस मीन पोजीशन, इससे एक बार वो राइट में जाएगा, एक बार वो लेफ्ट में जाएगा। अब ऐसे सर समझ में नहीं आता है ना, आप थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। डिटेल में कैसे? एग्जाम्पल देके। तो गाइस आपकी स्क्रीन पर यहां पर दो एग्जाम्पल बने हुए हैं, कैसे काम करेंगे एक बार करा के देखो। स्क्रीन पर आपका दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूं, देखो वन सेकेंड। हाँ आपको ये पार्टिकल दिख रहा है, ये पार्टिकल बार बार कुछ ऐसे ट्रेवल कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। देखो फिर से कर रहा है ट्रेवल। तो जब ये पार्टिकल बार बार इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है गाइस, तो इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि अपनी पोजीशन, इसको कहते हैं, ये वाली जो पोजीशन है ना, ये देखो ये वाली, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। और ये पार्टिकल है, वन सेकेंड, और ये मीन पोजीशन जो है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इसके अराउंड हमारा मूव कर रहा है। अच्छी बात है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेट टू बी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ बात है। अगला पॉइंट देखते हैं, यहां पर जो गाइस फोर्स की वैल्यू होगी ना, ये रहती है कितनी? माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, वेयर एन इज अ ऑड नंबर। क्या है गाइस? माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, वेयर एन इज एन ऑड नंबर। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा व्हाई एन शुड बी ऑड। बट बिफोर नेक्स्ट, द फिक्स पॉइंट अबाउट विच द बॉडी ऑसिलेट इज कॉल्ड मीन पोजिशन और इक्विलिब्रियम पोजिशन। यानी कि समझने की कोशिश करना, ये हमारे पास में होता है मीन पोजिशन, राइट। यहां से राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू कितनी है? माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन। अब गाइस देखिए, ये एक्स नॉट जो है, ये तो है हमारे पास में क्या? एक्स नॉट जो है वो है हमारे पास में मीन पोजीशन। मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा डिलीट मार लेते हैं। अब देखिए बच्चों, सिंपल सा तरीका है, समझने की कोशिश करिएगा। मेरे पास में एक तो हो गई क्या? मेरे पास में एक तो हो गई ये मीन पोजीशन, ये वैल्यू कितनी है? एक्स नॉट। तो क्या मैं आपसे बोलूंगा जब ये राइट में होगा तो गाइज ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस एक्स नॉट। तो बेसिकली एक्स माइनस एक्स नॉट है क्या? एक्स माइनस एक्स नॉट इज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? मीन पोजीशन। एक्स माइनस एक्स नॉट का मतलब है पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या है, या फिर इसे कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कब? व्हेन
ऑब्जर्वर एट एक्स नॉट, यानी ऑब्जर्वर हमारा एक्स नॉट पर हो तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम कहते हैं क्या, एक्स माइनस एक्स नॉट। अब यार देखो, एक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से समझना, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो यहां पर बताना। क्या कि अगर मेरे पास में एन इवन हुआ, मैंने यहां पर साफ साफ बोला है एफ बराबर माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, वेयर एन इज ऑड, ये मैंने बोला है। तो गाइज मैंने यहां पर ये बात, बेटा हर क्लास में ऐसा होता है, जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ कई बच्चे आते हैं, सर ये वाला चैप्टर नहीं हुआ, बाकी जब चैप्टर होता है तो आप नहीं रहते हो। मैंने यहाँ पर आज ही मैंने अनाउंस किया है कि बुलसाई सीरीज में मैं एक-एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, राइट? तो मनेलो और पवन कुमार रेड्डी, आप बेटा इसको मन मान के चलिए, एक-एक चैप्टर में यहाँ पर डिस्कस करूंगा फिर से। और सामने इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज सामने कमेंट बॉक्स आ रहा है, ये मत कहना सर सामने क्यों देख के बात कर रहे हो। ओके, थोड़ा सा मैंने बताया ना, नए स्टूडियो में कुछ कुछ चेंज कर दिए हैं, ये आपके लिए बेनिफिट्स हैं। सामने बड़ी स्क्रीन पर आपके कमेंट आ रहे हैं, तो अभी ऐसे इसमें पढ़ने की मोबाइल में जरूरत नहीं पड़ती, सामने बड़ी स्क्रीन पर दिख जाते हैं, राइट? चलो पहला केस है गाइस, व्हेन एन इज इवन, समझने की कोशिश करिएगा। जब मेरे पास में एन, हमारे पास में इवन है, तो मैं साफ साफ बोलूंगा नॉट ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन सारे चैप्टर कब तक कवर हो जाएंगे? मेरा टारगेट है मई लास्ट या जून मिड तक, तब तक तुम्हारे जेई मेन से पहले हो जाएंगे, जून मिड से पहले जेई नहीं हो रहा। नॉट ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है? 30 नहीं, 45 साल, 45 से 45 दिन के आसपास चलेगा ये। ओके, अब देखिएगा इस कैसे, ये मान के चलिए है मीन पोजीशन। क्या है ये? मीन पोजीशन। कोई इश्यू यहां तक? जब ये राइट साइड में जाएगा तो एक्स माइनस एक्स नॉट क्या ये पॉजिटिव नहीं होगा? होना चाहिए। तो मुझे बताइए क्या एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन पॉजिटिव नहीं होगा? होना चाहिए। तो जो फोर्स लगता है वो लगता है माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, और जो हमारे पास में क्या फोर्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सीधी से लॉजिक है। लेफ्ट साइड की बात कर लेते हैं, जब ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या यहां पर एक्स माइनस एक्स नॉट ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और जब ये नेगेटिव होगा तो एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन पॉजिटिव नहीं होगी। वाई सर? बिकॉज आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर इवन, चाहे x माइनस एक्स नॉट ऑड हो चाहे इवन हो, ये हमेशा इवन ही आता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो गाइज यहां पर फोर्स फिर से नेगेटिव है, तो यानी कि फोर्स चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, फोर्स की डायरेक्शन हमारी लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ है। अगर मैं बोलूंगा तो क्या ये टू एंड फ्रो मोशन की कंडीशन है? बिल्कुल नहीं सर। टू एंड फ्रो मोशन में क्या होता है, फोर्स यहां पर देखो ऐसे लग रहा है और यहां पर भी ऐसे लग रहा है, तो ये तो भाग जाएगा ना अपनी जगह से, टू एंड फ्रो मोशन क्या रहा। लेकिन अगर एन ऑड है तो देखते हैं, राइट साइड में जाएगा तो जब एक्स माइनस एक्स नॉट मेरा पॉजिटिव है तो एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन ये मेरा पॉजिटिव रहेगा, फोर्स जो है वो है माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, ये नेगेटिव है यानी फोर्स नेगेटिव है। अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो एक्स माइनस एक्स नॉट मेरा नेगेटिव है, एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन नेगेटिव है, किसी ऑड नंबर का, किसी नेगेटिव नंबर की ऑड पावर नेगेटिव होती है और नेगेटिव नंबर की इवन पावर पॉजिटिव होती है। तो यही बेसिस गाइस हमारा यहां पर चलने वाला है, यानी कि एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर जो एन है ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर मीन पोजीशन की तरफ लगेगी, और जब ये मीन पोजीशन की तरफ लगेगी तो गाइस कुछ कहना ही क्या। नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव नहीं, नेगेटिव मतलब आप डायरेक्शन देखो, नेगेटिव मतलब आप डायरेक्शन देखो, यहां पर जब राइट साइड में है तो फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, जब लेफ्ट साइड में है तो फोर्स राइट की तरफ लग रहा है, कब? जब हमारा एन ऑड है तो, और एन इवन है तो, मैंने बता ही दिया। अब बताइए किस बच्चे को डाउट है, बोलिए किस बच्चे को डाउट है?
एनीवन बढ़े आगे, पानी पी सकते हैं। चलिए अब एक बार मैं आपको डैम्ड ऑसिलेशन समझाता हूं, आपने वर्ड सुना होगा। देखो यार इस वाले ऑसिलेशन में क्या है, अगर मेरे पास में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो गाइस इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास में ये अपना इसी तरीके से मोशन करता रहेगा, यानी अपने पाथ को रिपीट करता रहेगा। मैं यहां पर बिल्कुल मेंशन करना चाहूंगा इस वाले क्वेश्चंस में क्या है, इट नीड नॉट टू बी पीरियोडिक, नीड नॉट हैव फिक्स एक्सट्रीम पोजीशन, बट इफ एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी इसकी एनर्जी कंजर्व्ड है तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएंगी, और जब एक्सट्रीम पोजीशन फिक्स हो जाएंगी तो क्या मैं कहूंगा ऑल्सो कैसा है ये पीरियोडिक भी कहलाएगा। समझने की कोशिश करना, अगर यहां पर एनर्जी कंजर्व है तो अपने पोजीशन को ये मेंटेन रखेगा ना, पाथ को फिक्स रखेगा, तो फिक्स एक्सट्रीम है, पाथ सेम है, तो ये पीरियोडिक भी है। अच्छा कब पीरियोडिक नहीं है, आप यहां पर देखो ये मेरे पास में एक ब्लॉक बना हुआ है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा नीचे लग रहा है एमजी, इधर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, ऊपर लगेगा नॉर्मल, अच्छी बात है ठीक है। अब देखो इसने चलना स्टार्ट किया, आपके पास में क्या है, बिकॉज यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, ये क्या करेगा इसकी एनर्जी को धीरे धीरे करके डिके करेगा, इसकी एनर्जी को धीरे धीरे करके डिके करता चला जाएगा। अब इस बच्चों इसको यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब ये इसकी एनर्जी को धीरे धीरे करके डिके करता चला जाएगा, देखो यहां पर टोटल एनर्जी घटती जा रही है, और जब टोटल एनर्जी यहां पर ऐसे डिक्रीज होती जा रही है तो हमारे पास ये एनर्जी भी देखो इसका पाथ भी सेम नहीं है, पहले ऐसे गया था अब थोड़ा सा पहले से ही लौट आया, फिर और कम जाएगा और कम जाएगा, और ये कहानी है। तो गाइस साफ साफ लिखा हुआ है अगर इफ मेरे पास में पाथ सेम नहीं है तो वो पीरियोडिक नहीं हो सकता। तो क्या होगा वो, द ऑसिलेटरी मोशन इन विच एनर्जी इज कंजर्व आर ऑल्सो पीरियोडिक बिकॉज पाथ इज सेम, बट एक और चीज बोला है मैंने, जो फोर्स या टॉर्क उनको ऑसिलेटरी मोशन करा रहा है, याद करिए यहां पर मैंने जो फोर्स लिखा था ना जो वापस उनको लेकर के आता है, उसको नाम दिया है उन्होंने रिस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क। लेकिन डैम्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, एनर्जी इज कंज्यूम्ड ड्यू टू सम रेजिस्टिव फोर्स, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। मुझे बताइए कितने बच्चों को ये कहानी समझ में आ चुकी है, डैम्ड ऑसिलेशन, अरिन वेरी गुड, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाती है, कितने बच्चों को ये कहानी समझ में आ चुकी है, यहां सर मुझे समझ में आ गया, बाकियों का पता नहीं ठीक है पक्का। चलिए अब बढ़ते हैं एसएचएम, आप कहोगे सर ये एसएचएम क्या होता है, फिर देखिए एसएचएम क्या है, सबसे पहली तो चीज इट इज ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक का मतलब क्या है, किसी भी उसका लॉस नहीं होगा एनर्जी का। ऑसिलेटरी का मतलब क्या है, ऑसिलेटरी का मतलब है जो फोर्स है वो है क्या, माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, और ये जो एन है ये हमारा ऑड है, ये जो एन आपको दिख रहा है एन हमारा ऑड है, एवरीवन गॉट इट और नॉट, हर किसी को ये वाली कहानी समझ में आ रही है, यस और नो बोलते जाओ यार, समझ में आ रही है ओके। तो गाइस मेरे पास में एफ बराबर माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, तो बेसिकली एसएचएम का फंडा पता है क्या है, एसएचएम का फंडा ये रहता है, ये हार्मोनिक, देखो ऑसिलेटरी का दूसरा नाम हार्मोनिक है, हार्मोनिक क्या है, वर्ड फॉर ऑसिलेटरी, मैं यहां पर कह रहा हूं सिंपल हार्मोनिक, मैं यहां पर कह रहा हूं सिंपल हार्मोनिक,
सिंपल हार्मोनिक का मतलब क्या है कि भैया सबसे सिंपलेस्ट जो ऑसिलेटरी मोशन है, तो गाइस ऑसिलेटरी मोशन के लिए एन बराबर ऑड होना चाहिए, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं एन बराबर वन। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इन शॉर्ट ये होते हैं पीरियोडिक, ये होते हैं ऑसिलेटरी। कुछ ऐसे हैं जो पीरियोडिक ऑसिलेटरी दोनों हैं, और इनके जो बीच में जो आता है, इनके जो बीच में आता है उसको हम कहते हैं क्या? एसएचए। कोई दिक्कत? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेटरी और के बराबर, सॉरी यहां पर ये वन हो जाता है, और गाइस फोर्स का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, चलिए आपको ये दिख ही रहा होगा कितना प्यारा सा एक हमारे पास में एसएचएम हो रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, मुझे बताइए। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या इसमें? ये इसकी मीन पोजीशन है, जैसे जैसे ऊपर नीचे मूव करता जा रहा है, देखो ये इसकी मीन पोजीशन है, मैं आपको दिखाता हूं एक बार, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, इस तरीके से मूव करते हैं ये ऊपर नीचे। एग्रीड? अगेन कोई डाउट हो तो बताइएगा। आगे बढ़े, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में आई डोंट थिंक ये आपको फिर से समझाने की जरूरत है। यहां पर फोर्स रहता है किधर? हमेशा रिस्टोरिंग है ना, तो लेफ्ट साइड में। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स माइनस जो एक्स नॉट है वो कैसा है, एक्स माइनस एक्स नॉट यहां पर पॉजिटिव है, तो जो फोर्स है वो होता है माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हो जाएगा नेगेटिव। और यहां पर अगर बात करेंगे तो एक्स माइनस एक्स नॉट पॉजिटिव है, तो जो फोर्स है वो है माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये हमारे पास में कहानी है, आपको ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूं, ये वाला नहीं आया तो मुझे बताइए फटाफट। एवरीवन एग्रीड? प्यार से करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं बेटा बाद में अटेंड कर सकते हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आए तो लाइव अटेंड किया करो। एवरीवन एग्रीड? चलें आगे। अब कितने टाइप के एसएचएम होते हैं सर? देखो वैसे तो कई टाइप के एसएचएम बना दूंगा मैं, लेकिन जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो दो टाइप के हैं, पहला है लीनियर, दूसरा है एंगुलर। लीनियर एसएचएम का मतलब क्या है? पार्टिकल एक लीनियर डायरेक्शन में मूव करेगा। एंगुलर एसएचएम का मतलब क्या है? पार्टिकल ये ऐसे एंगल दिख रहा है आपको, ये आपको चलते हुए शायद दिख नहीं रहा होगा, ये ऐसे मूव करेगा और इसका ये एंगल वेरी करेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एसएचएम। कोई दिक्कत यहां तक? लीनियर एंड एंगुलर एसएचएम के बीच में ये डिफरेंस होता है, मुझे बताइए कोई इश्यू यहां तक? पक्का श्योर ना? करें आगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या फंडा है। हमारे पास में जो फोर्स का फॉर्मूला आया है वो आपने अभी अभी निकाला है, कितना? माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट, कोई बड़ी बात नहीं है, एम आई राइट? फोर्स का जो फॉर्मूला आया है वो आया है माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट। क्या गाइज मैं फोर्स को ये लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड द एक्सेलरेशन इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट। वेरी गुड। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी गॉट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स माइनस एक्स नॉट, माइनस के बाय एम एक्स माइनस एक्स नॉट। All I did, put m inside beside the k, m को इधर शिफ्ट कर दिया, राइट? फिर हमारे पास में क्या आ जाता है, जो RHS वाली टर्म्स है उसको LHS में उठा के ले आओ, तो ये बन जाता है d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाय m x माइनस x नॉट बराबर जीरो। और हाँ ये मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब आप कहोगे सर ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया? तो गाइज मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो के है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है,
एम जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है मास, तो के बाय एम को मैंने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम, राइट। ये हमने उस इक्वेशन को अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर लिया। अब क्यों किया इस तरीके से मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन याद है। मुझे इस वाली इक्वेशन कौन सी है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स माइनस एक्स नॉट बराबर जीरो, मुझे इसका सॉल्यूशन पता है, एंड द सॉल्यूशन इज एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आपको सर ये आया कैसे, आता है ना? देखो गाइस, दैट इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी डू नॉट हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर दैट। हम क्या करते हैं, हम इसको यहां पर एक तरीके से लिख लेते हैं। इस तरीके से समझने की कोशिश करिए गाइस। मान के चलिए मैंने मान लिया एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। देखो एक तरीका तो यह है कि मैं इसको इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूं, ये जो आंसर है इसका डिफरेंशिएशन करके आपको ये वाली इक्वेशन लाके दे देता हूं, आपका काम चल जाएगा, मेरा भी काम चल जाएगा। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, ये बन जाएगा डीएक्स बाई डी टी माइनस डीएक्स नॉट बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा ए। देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, ये बन जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया जीरो, तो वेलोसिटी मेरे पास में आ जाती है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस। एक और काम करते हैं, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो गाइस एक और बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सलरेशन मेरे पास में क्या आ जाता है, ये बन जाता है ओमेगा ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और जैसे ही ये मेरे पास में आया, क्या लिखोगे, क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको यहां पर आगे की तरफ लेके जाता हूं। हाँ यहां पर जगह खाली है ना, मैं इसको यहां पर लेके चला जाता हूं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। ये ए बराबर आ चुका है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा की वैल्यू डाल दी, ये बन गया एक्स माइनस एक्स नॉट। तो गाइस ए को लिख लिया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट बराबर जीरो, यानी कि एज इट इज जो ये इक्वेशन है एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इट विल गिव्स अस व्हाट, ये हमें देता है सॉल्यूशन। किस बात का, ये हमें देता है सॉल्यूशन, ये जो हमारी एसएचएम की इक्वेशन है। मुझे बताइए कितने बच्चों को यहां तक डाउट है, कितने बच्चों को यहां तक डाउट है, कुछ भी छोटा मोटा कैसा भी, यहां सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज थोड़ा समझा दीजिए। एवरीवन एग्रीड, चलें आगे बढ़े। कुछ टर्म्स जो कि आपको पता होने चाहिए, सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, वैल्यू कितनी रहती है, एक्स माइनस एक्स नॉट यानी ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आपने ये पढ़ा होगा, अभी अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो है ये होता है डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। आपको बताया ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी एक्स इज द फाइनल पोजीशन, मीन पोजीशन इज एक्स नॉट, तो एक्स माइनस एक्स नॉट विच इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। हो सकता है गाइस इस बार बीच में थोड़े थोड़े वन वन आवर ब्रेक लेने पड़े, ठीक है आपको पता है रीजंस, चलिए लेकिन मैं 2-3 मिनट का ब्रेक लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास में एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूसरी साइड तक कितना चल के गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है उसका हाफ कर लीजिए, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की डिस्टेंस का हाफ कर लीजिए, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक साइड में कितना चल के गया, ये हमारे पास में कहलाता है बच्चा क्या, दिस वन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड।
एग्रीड। और एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पॉइंट्स और पोजीशन। वेरी गुड। और ये एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है गाइस क्या पता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आपको बाद में समझ में आएगा। अब कुछ कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जैसे एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 पाई बाय कैपिटल टी यानी 2 पाई एफ। टी क्या है, टाइम पीरियड, एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम। टाइम पीरियड मैं आपको बता ही चुका हूं, तो मुझे बताइए इन तीनों में किसी को डाउट, एनीवन? यहां सर मुझे समझ में नहीं आया, एनीवन कोई बोलना चाहता है कुछ बिना शर्माए? चलें आगे। फेज, अब ये जो फेज है इसको मुझे समझाने दीजिए और आप अपना कलम पेन रख के बैठ जाइए। फेज क्या होता है, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कह सकते हो आपके समझने का, आपके फिजिक्स के एसएचएम के चैप्टर का। देखिए गाइस क्या होता है फेज, मुझे बताइए एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, कुछ ऐसी होती है? ये होती है। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ना तो यहां पर पोजीशन फिक्स, ना यहां पर वेलोसिटी फिक्स, ना यहां पर एक्सेलरेशन फिक्स, और ना यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन फिक्स, क्योंकि साइन का टर्म आ रहा है, राइट? तो इसको समझना थोड़ा सा टफ होता है एसएचएम को, लेकिन अगर मैं दिमाग लगाऊं तो एक चीज यहां पर है जो कि एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, और वो चीज क्या है गाइस, वो है साइन के अंदर वाला एंगल। साइन के अंदर वाला एंगल ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, और इसी को हम नाम देते हैं क्या, फेज। क्या नाम देते हैं, फेज। सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है, जो साइन के अंदर वाला जो एंगल है जो कि कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, इसी को हम नाम देते हैं गाइस क्या, फेज। समझने की कोशिश करेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा। अब देखो गाइस, फेज बेसिकली क्या होता है, फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज द स्टेट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल रिगार्डिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन। जैसे देखते हैं, मुझे पता है कि ये पार्टिकल जो है बेसिकली है क्या, पार्टिकल हमारे पास में यहां पर है, इसका जो फेज, फेज क्या होता है कि हमारे पास में एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, तो ये दिख रहा है आपको ओमेगा टी। ओके, तो हमारे पास में कितना एंगल बना रहा है, और हाँ सेम टाइम में पार्टिकल सेम फेज सेम एंगल ट्रेवल करता है, कैसे? देखो ये कॉन्स्टेंट स्पीड से चलती जा रही है। अब देखो ये एंगल हो गया ओमेगा टी, तो इसका वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना हो गया ये वाला, क्या ये नहीं कहलाएगा ए साइन ओमेगा टी? और आगे भी बढ़ते चले जाओ, देखो बेसिकली व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, एसएचएम बेसिकली है क्या, एक हमारे पास में वेक्टर है जिसको बोला जाता है फेजर वेक्टर। मैं नाम भी दे देता हूं, लोग क्या नाम दिया जाता है इसको, इसको नाम दिया जाता है फेजर वेक्टर, और ये जो फेजर वेक्टर है ये अपना ऐसे रोटेट करता रहता है, ये जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं, फेज। और इसका जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पर, ये हमें देता है वैल्यू ऑफ एसएचएम। एवरीवन एग्रीड और नॉट? और हाँ टी बराबर जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी है, फाइव, उसको बोलते हैं इनिशियल फेज या फिर ईपॉक। कोई दिक्कत? जैसे क्वेश्चन को ढंग से समझने की कोशिश करना, और अगर समझ में आए तो आपको बेटर है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ट्राई मारिए।
जब वो चैप्टर आएगा तब बताऊंगा, ठीक है? राइट। क्या आंसर आ रहा है? लेट मी टेल यू द मेथड। कभी भी ऐसा क्वेश्चन फंसे, आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला, या तो फेजर वेक्टर बना लो, एंड दूसरा, या फिर आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करिए। कैसे? देखो, इक्वेशन है मेरे पास में, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आप कहोगे सर एक्स माइनस एक्स नॉट हुआ तो, अभी फिलहाल उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्स माइनस एक्स नॉट को हम इग्नोर मार सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो गाइस, जब मैं एक्स बराबर जीरो डालूंगा तो गाइस ये क्या बन जाएगा? टी बराबर जीरो। और जब मैंने एक्स बराबर ए बाई टू डाल दिया, ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ गई? 5/6। यानी 2π/T मल्टीप्लाई बाई टी क्या आ गया? 5/6। तो यहां से पाई गया, टी बराबर आ रहा है T/12। आंसर आ जाएगा T/12। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? T/12। एवरीवन एग्रीड। और इसी तरीके से हमारी सारी कहानी पढ़ने वाली है, इसी तरीके से। एक एक पॉइंट यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरीके से हमारी सारी कहानी, सारी स्टोरीज पढ़ने वाली है। कोई इश्यू गाइस? पक्का? चलें आगे। हाँ, अब क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं। मैं उसको करने का आपको तरीका बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाँ बेटा, जनरल क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। बट उससे पहले एक और क्वेश्चन, और बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है। इसमें मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से 1-2 मिनट लगाएं और कोशिश करें बताएं कि सर इसका आंसर ये होगा। फटाफट से ट्राई करिए, बोलिए। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपनी तरफ से टाइम इन्वेस्ट करें। करिए। एक पार्टिकल है मास 2 kg का, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, जिस पर फोर्स लगा है 8 - 2x, और उसको मैंने x बराबर 6 m से रेस्ट से रिलीज किया है। इज द पार्टिकल मूविंग सिंपल हार्मोनिकली? पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। दूसरा प्रश्न, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। तीसरा प्रश्न, और हमें उसका समय पीरियड, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है। आवर्तकाल हिंदी में कहते हैं, आवर्तकाल। बोलिए। वन सेकेंड गाइस। तो गाइज बताइए क्या करना है। अच्छा, प्यारा सा सवाल है। आप देख सकते हो यहां पर कि किस तरीके से हमारे पास में क्या फंडा है। एक एक पॉइंट आपको यहां पर डिस्कस करना है। कोशिश करिए, ठीक है, देखने का। बताइए क्या आंसर आ रहा है। एक्स बराबर 4। वेरी गुड। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट जो था वो ये था कि
आपको ये बताना है क्या ये एसएचएम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, एसएचएम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो गाइस बड़ा प्यारा सा है, एफ इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। एफ बराबर मैंने मान लिया 8 माइनस 2x, और ये मेरे पास में बन जाएगा कितना, 8 माइनस 2x को आई थिंक मैं लिख सकता हूं यहां पर -4 या -2x-4। ये हो गया। क्या ये कंपैरिजन नहीं बन रहा, लग रहा है कंपेयर करेंगे से फोर्स इज इक्वल टू -k/m, -k सॉरी। इसको मैं कंपेयर करूंगा इस वाले फंडे से, फोर्स इज इक्वल टू -k(x-x0) से। करिए कंपेयर, आंसर आ तो गया। क्या आ गया, आ गया मेरे पास में आंसर कि भैया k बराबर तो आ रहा है 2, मीन पोजीशन x0 की वैल्यू आ रही है 4। तो यस पार्टिकल एसएचएम कर रहा है जिसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये रही। टाइम पीरियड निकालना भी बड़ा आसान काम है, ये रहता है 2π√ में m/k, यानी कि 2π√ में 2/2 बोले तो 2π सेकेंड। टाइम पीरियड भी आ गया। अब बची इक्वेशन, और इक्वेशन निकालना बड़ा ट्रिकी टास्क तो नहीं लेकिन बहुत सिंपल भी नहीं है। कैसे, देखिए एक एसएचएम की इक्वेशन होती है x-x0 = a sin ωt + θ। अब इस इक्वेशन को ढंग से देखोगे तो गाइस x-4 तो समझ में आ गया, एम्पलीट्यूड मुझे नहीं पता, ओमेगा होता है 2π/t, तो ये बन जाएगा 2π/2π(t+θ)। मुझे बस ये ए और थीटा मिल जाए, मेरा काम आसान है। ऑल आई नीड इज ए एंड थीटा। अब क्वेश्चन को ढंग से देखो, क्या हमें नहीं दिया हुआ कि ये पता है रेस्ट पर होता है कब, एक्सट्रीम पोजीशन पर। रेस्ट पर होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, यह है मीन पोजीशन जिनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 2 मीटर, जो कि कहलाएगा मेरा क्या, एम्पलीट्यूड। और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो ये कहलाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो ए बराबर आ जाएगा 2 मीटर, और जो इनिशियल फेज हो जाएगा वो हो जाएगा π/2। तो x-4 = 2 sin t + क्या हो जाएगा, π/2। ये होता है मेरा आंसर। एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में छपा होना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और अगले कुछ महीनों में, मतलब जब तक ये हमारे सेशन चलेंगे सारे, मेरा प्रायोरिटी यही रहेगी कि आपको एक एक चीज समझाऊं, एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसाऊं। राइट, अब आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बहुत पढ़ लिया नॉर्मल सा, अब आता है। देखो यार यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, कई बच्चे यहां पर लिखते हैं कि सर कभी कभी तो हम देखते हैं ए कॉस ओमेगा टी, कभी कभी हम देखते हैं ए साइन ओमेगा टी, तो सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इनिशियल फेज हमारा जो हो उसी के बेसिस पर डिपेंड करता है कि इक्वेशन क्या आएगी। अगर थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी, अगर थीटा बराबर π/2 हो जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी। बस इतना सा डिफरेंस है। और क्या पूछना है तुम्हें बताइए, थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर π/2 डिग्री, इन दोनों को ही चेंज कर लो, आपका पूरा आंसर यहीं पर चेंज हो जाएगा। एवरीवन एग्रीड। तो यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को ढंग से देखूं तो गाइस देखो हो क्या रहा है, आप इसको यहां से देखो, शेडो आपको दिख रहा है, ये वाला हमारी चक्की ऐसे चल रही है, और जब ये चक्की चल रही है तो मेरे पास में क्या है, इसका जो वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन है ये मुझे क्या दे रहा है, यही तो मुझे एसएचएम प्रोवाइड कर रहा है। देखो नीचे की तरफ चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, और ये कौन सी वेव बन रही है, ये साइन वेव बन रही है, चाहे साइन थीटा हो कॉस थीटा हो सबको साइन वेव ही बोलते हैं। राइट, आप देख लीजिए, देखो इसमें इसमें आपको ये रेड वाला दिख रहा होगा, ये है ए साइन थीटा या ए साइन ओमेगा टी, मैं आपको ये ब्लू वाला तो क्या है, ये है ए कॉस ओमेगा टी, यानी जब मेरे पास में थीटा बराबर 90 डिग्री हो। और जो रेड वाला है वो मेरे पास में कितना हो जाता है, रेड वाला मेरे पास में हो जाता है ए साइन ओमेगा टी, यानी कि जब थीटा मेरे पास में 0 होता है। रेड वाला हो जाता है ए साइन ओमेगा टी जब मेरे पास में थीटा मेरे पास में हो जाता है
0 डिग्री। तो आपको बस यही समझना है, कोई इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ऑल वी हैव टू डू कि मेरे पास में एक वेक्टर है जिसको मैंने नाम दिया है क्या, जिसको मैंने नाम दिया है गाइस फेजर वेक्टर, और इसका वाई एक्सिस के साथ में जो प्रोजेक्शन है ये मुझे क्या प्रोवाइड करता है, ए साइन ओमेगा टी, यानी प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एस एच एम। एनीथिंग एल्स बोलिए, कुछ बचा है क्या? काढ़ा जरूरी है क्वेश्चन में। आगे बढ़े, वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है? वेलोसिटी के बारे में मैंने बोला था, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बच्चे बच्चे को बताए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? पोजीशन का डिफरेंशिएशन मेरे पास, वैल्यू मेरे पास में है, इसको कर दिया डिफरेंशिएशन, तो ये बन गया वेलोसिटी ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। वैल्यूज को याद रख लेना, वैल्यू को याद रख लेना, रट लेना, तुम्हारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा है ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहानी हमें पता है राइट। फिर मैंने बोला है मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो होती है। ये तो सब बच किसी को भी लॉजिक पता होगा कि जब ये मेन पोजीशन पर होगा क्रॉस कर जाएगा बिकॉज वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जब ये एक्सट्रीम पर होगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो होने वाली है। एवरीवन एग्रीड? कहानी समझ में आ रही है बच्चों, है ना? अभी उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। अगर मेरे पास में जो वेलोसिटी है, सॉरी पोजीशन को मैंने ले लिया ए कॉस ओमेगा टी, तो क्या मैं वेलोसिटी को नहीं लिखूंगा माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी? और बच्चों एक बात ध्यान से और सुनना, वेलोसिटी को लिखने का एक और मेथड है क्या, ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो वेलोसिटी है वो मेरे पोजीशन के फेज से 90 डिग्री आगे चल रही है। अब ये फेज वाला मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फेज वाला मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था, आगे भी शायद लूंगा मैं कंबाइंड ग्राफ में, यहां पर आपको अच्छे से रियलाइज हो जाएगा ठीक है। लेकिन आपको ये समझ में आता है कि हमारे पास में देखो ये कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूं साइन 90 प्लस थीटा, तो वेलोसिटी का जो फेज है वो पोजीशन के फेज से 90 डिग्री आगे है। एवरीवन एग्रीड? बोलते जाइए, समझ में आ रहा है? ठीक है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको समझा दिया। अब आता है वी वर्सेस एक्स। देखो ये था v वर्सेस t, ये है v वर्सेस x। कैसे? हमने अभी अभी प्रूफ किया है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो v स्क्वायर बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और यहां से ये बन जाएगा v स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर x a, सॉरी अच्छा यहाँ पर अंडू नहीं होता है ना इसमें इस समय। सर लीनियर एसएचएम में, वन सेकंड बेटा आपका कमेंट देख रहा हूं, हम ये अज्यूम करते हैं ना कि पार्टिकल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। कौन बोला भाई कि हर एसएचएम में कंजर्व करते, अज्यूम करते हैं। एसएचएम का मतलब ही है पीरियोडिक, एसएचएम का मतलब क्या है, पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी, तो हमें मानना ही पड़ेगा कि पार्टिकल की एनर्जी कंजर्व है। एनीवे तो गाइस ये बन जाता है वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां से इक्वेशन बनती है वी स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर वन, यानी वी स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर वन। ये होती है मेरे पास में कहानी, पूरा इलिप्स की इक्वेशन है, आप यहां पर देख लीजिए, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताइए, कोई भी कंफ्यूजन कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल याद रखना, कल हमारा वेब्स है, कल हमारा वेब्स है पार्ट वन,
परसों वेव्स पार्ट टू, ऐसे ही चलता रहेगा धीरे धीरे करके। हो सकता है संडे वाले दिन, वैसे तो कह रहे अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई इश्यू ही नहीं है, सब जगह लॉकडाउन चल रहे हैं अभी तो। वीकेंड लॉकडाउन तो लगभग सबके शहर में हो ही चुका है ना, संडे को तो किसी को बाहर निकलना नहीं होता है। ठीक है, एक दिन दे देंगे आपको हफ्ते में जिस दिन आप बाहर जाओ। मेरे मेरा मानना है कि बाहर ना ही निकलो। ओके चलिए, अब आते हैं एक्सलेशन पर। एक्सलेशन में गाइस क्या होता है, फॉर्मूला रहता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट, यानी कि जब ये राइट डायरेक्शन में होगा, जब ये राइट डायरेक्शन में होगा, अरे थैंक यू बेटा, जब ये राइट डायरेक्शन में होगा तो एक्सलेरेशन लगेगा लेफ्ट में, इसको धक्का देगा भाग भाग। कौन सा इक्विलिब्रियम होता है ये कोई बताना चाहेगा, स्टेबल या अनस्टेबल आपको बताना है। जब ये राइट डायरेक्शन में होगा फोर्स इसको लेफ्ट में धक्का देगा, जब ये लेफ्ट डायरेक्शन में होगा फोर्स इसको राइट में धक्का देगा, और इस तरीके से ये हमारे पास में मीन पोजिशन के टुवर्ड्स रहेगा। लेकिन एक और चीज, एक्सलेरेशन का जो फॉर्मूला है वो पोजीशन से कितना फेज आगे चल रहा है, 180 डिग्री, यानी के वेलोस एक्सलेरेशन जब हमारे पास में, सॉरी, पोजीशन का जो फेज है उससे 180 डिग्री आगे हमारे पास में एक्सलेरेशन का फेज चल रहा है। समझाएंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम आर्या, वेरी गुड वेरी गुड आर्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम राइट आर्यन, बिल्कुल सब बात आपकी सही है, लेकिन कोशिश आप भी क्या करो यार, शेयर वेयर करो दोस्तों के साथ में। ठीक है चलिए, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगेन हमने एक्स की पुज वैल्यू यहां पर क्या मानी है, एक्स की वैल्यू है मेरे पास में ए कॉस ओमेगा टी, तो मेरे पास में ये वाला फॉर्मूला निकल के आया राइट। हाँ ये ग्राफ है ए वर्सेस एक्स का, ए वर्सेस एक्स का, ये गाइस टेन थीटा मेरे पास में कितना है, टेन थीटा है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऑब्वियसली एक्सलेरेशन का फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। मुझे बताइए कितने बच्चों को आता नहीं है, एग्रीड? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कंबाइंड ग्राफ पर, जो मैं आपसे बार बार कह रहा था। देखो समझने की कोशिश करना, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए, नहीं होगा तो भी बताइएगा। क्या है ये पोजीशन की इक्वेशन, मैंने मान ली ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी इससे 90 डिग्री आगे चल रही है, तो ये बन जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, वो वेलोसिटी से 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। समझने की कोशिश करिए, देखो मेरे पास में वही चीज है, इनिशियली से स्टार्ट करेंगे। इनिशियली पोजीशन मेरे पास में जीरो थी, एक्सलेरेशन भी जीरो था, वेलोसिटी थी मैक्सिमम, मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है। सर ऐसा चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डिफाइन करोगे जिसमें एक्सलेरेशन फिक्स नहीं है? यस बिल्कुल, एसटीएम बेसिकली एक ऑसिलेटरी मोशन है, उसको उस कैटेगरी में डालो ही मत, मेरा सजेशन ये है। ओके, अब पॉइंट समझने की कोशिश करना कि ये एक्स से वेलोसिटी का फॉर्मूला, जब इनिशियली एक्स की वैल्यू जीरो है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सलेरेशन जीरो है, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि आप पोजीशन ऊपर बढ़ी, अब ये हो गई पोजीशन मैक्सिमम लेकिन वेलोसिटी जीरो हो गई और एक्सलेरेशन नेगेटिव में चला गया। फिर से ये पोजीशन कितनी हो जाएगी, अब ये हो गई पोजीशन जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई लेकिन इस बार नेगेटिव में, और ये एक्सलेरेशन फिर से जीरो। फिर हमने किया पोजीशन इस बार मैक्सिमम हो गई नेगेटिव में, तो एक्सलेरेशन हो जाएगा पॉजिटिव, जो पोजीशन है उसका जस्ट उल्टा है, और वेलोसिटी जीरो। यही साइकिल हमारा बार बार रिपीट होता रहता है। जी बताइए कोई डाउट है क्या, पक्का? कंबाइंड ग्राफ एक बार देख लो गाइस, ये ग्राफ है सारे एक एक ग्राफ, कैसे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सलरेशन वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सलरेशन, जो मैं आपको पिछले उसमें बता रहा था ये वही ग्राफ है। ये है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये है एक्सलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। एक भी ग्राफ में
अगर किसी बच्चे को हल्का सा भी डाउट आ रहा है आप मुझसे तुरंत पूछिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनीथिंग, कुछ भी पूछना है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया या फिर मुझे ये समझा दीजिए, आप मुझे बेझिझक बताइए, बोलिए। तो एक क्वेश्चन है, हालांकि मैं वो क्वेश्चन तो सारे कराएंगे जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बट इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। आपको मैं दे रहा हूं उसके लिए 1 मिनट। कोशिश कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं। अब इसको स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा करेंगे, ठीक है? टाइम दे, सारी चीजें इंप्रूव होंगी। अभी तो मैं पहले अपना हेल्थ की रिकवरी कर लूँ, एक बार हेल्थ रिकवर हो जाएगी फिर और भी कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। बस आप अपना ऐसे सपोर्ट देते रहिए। और ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया है और मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, अगर कर पाया तो। कैसे? क्वेश्चन बोला गया है, अ कॉइन इज प्लेस्ड, अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ व्हाट, एक कॉइन रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर, विच अंडरगोज वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब गाइस देखो, मैं यहां पर एक आपके लिए एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई मारता हूं। जो जो चीजें देखो मेरे पास अवेलेबल है, हाँ एक चीज मुझे ये मिल चुकी है और एक मैं क्या लूं, चार्जर इज बेटर, जैसे वर्नियर कैलिपर भी है सामने पर चार्जर इज बेटर, ठीक है? ये हमारा चार्जर मान लीजिए। ओके, अब देखो इसको मान लिया मैंने कॉइन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म और ये वर्टिकल सर्कुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। रे रे पक्का? अब कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद मैंने क्या किया, इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कैसे, कि जब मैं इसको ऊपर की तरफ ऐसे लेकर के जा रहा हूं, है ना, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा इसके पास में एक्सेलरेशन कितना चाहिए इसे, ओमेगा स्क्वायर ए डाउनवर्ड, राइट? ओमेगा स्क्वायर ए डाउनवर्ड। और वो एक्सेलरेशन कौन कौन देगा, एम जी माइनस एन। अगर जब ओमेगा स्क्वायर ए की वैल्यू एम जी माइनस एन, मैं आपको पहले अब न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाता हूं कैसे, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा, यू नो टॉप मोस्ट पॉइंट, जब ये ऐसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा समथिंग लाइक दिस, नीचे की तरफ लगेगा एम जी और लगेगा एन, इधर एक्सेलरेशन चाहिए ओमेगा स्क्वायर ए, तो एम जी माइनस एन और एन मेरे पास में आ जाएगा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए। मुझसे बोला है विल लीव कॉन्टैक्ट, लिमिटिंग केस ले लेते हैं, नॉर्मल, वैसे तो नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, लिमिटिंग केस ले रहा हूं मैं, तो फॉर नॉर्मल की वैल्यू को जीरो करोगे तो एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि एम जी शुड बी ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर ए और यहां से आ जाएगा ए शुड बी लेस देन जी बाय ओमेगा स्क्वायर, इक्वल टू का साइन भी होल्ड करेगा। ये होता है फंडा कि जैसे ही एम्पलीट्यूड अगर जी बाय ओमेगा स्क्वायर से कम है काम चल जाएगा, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड जी बाय ओमेगा स्क्वायर के बराबर है तो हमारे पास में नॉर्मल जस्ट जीरो होगा,
लेकिन जैसे ही ज्यादा हुआ मामला फिनिश। क्लियर? कितने बच्चों को ये कहानी समझ में नहीं आई, ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया? बोलिए। अब प्रोजेक्शन वाला, मैं हालांकि आपको बता चुका हूं कि मेरे पास में एसएचएम काम कैसे करता है, कैसे हम उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर लेते हैं, फिर भी अगर आपको इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन बचा है तो बता दीजिए। ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या है? देखिए, इनिशियली जब हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट का जो फेस था वो था 0 डिग्री, फिर टी बाय फोर पर हुआ 90 डिग्री, फिर ये हो गया 180 डिग्री, फिर ये हो गया 270 डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री। फेस को समझने की कोशिश करना, कैसे कैसे हमारा जो फेज है वो आगे की तरफ हमारा चेंज होता जा रहा है। कहीं कोई कंफ्यूजन तो बता नहीं बताइएगा, अगर नहीं तो फिर कोई इश्यू ही नहीं है। राइट? पक्का? चलिए, मैंने बोला है आप एक चीज समझो, अगर फेज मेरा 0 डिग्री है तो वैल्यू कितनी है पता है? वैल्यू रहेगी 0। अगर फेज मेरा 90 डिग्री है, वैल्यू रहेगी मैक्सिमम पॉजिटिव। अगर फेज मेरा 180 डिग्री है, वैल्यू रहेगी 0। फेज मेरा 270 डिग्री है, वैल्यू रहेगी मेरी मैक्सिमम नेगेटिव। क्योंकि साइन 270 क्या होता है भाई? साइन 270 -1 ही तो होता है। और फेज मेरा अगर ये है 360 डिग्री है, तो वैल्यू रहेगी फिर से, क्योंकि ये 0 डिग्री वाला। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट का फेज है 0 डिग्री, वैल्यू 0। फेज हुआ 90 डिग्री, पॉजिटिव मैक्सिमम। फेज 180 डिग्री, 0। 270 नेगेटिव मैक्सिमम, 0। अच्छा, वेलोसिटी का जो फेज है वो मैंने जैसा कि बताया इससे 90 डिग्री आगे चलेगा, और जब 90 डिग्री आगे चलेगा तो ये बन जाएगा 90 डिग्री, ये बन जाएगा 180 डिग्री, ये बन जाता है 270 डिग्री, ये बन जाता है 360 डिग्री, ये बन जाता है फिर से 90 डिग्री। अब आप हिसाब लगा लो, 90 डिग्री पर ओमेगा ए, 180 डिग्री पर 0, 270 डिग्री पर नेगेटिव मैक्सिमम 0। सेम यहां पर फेज ऐसा है कुछ। सॉरी, ये बन जाएगा आई थिंक 360, फिर ये हो जाता है 90, फिर ये हो जाता है 180। मुझे बताइए, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट आया कि सर आपने ये फेस कैसे निकाले, क्या इसके पीछे का फंडा है, क्या लॉजिक है? एनीवन, ग्राफ देखो, ये रहा, मैंने बोल दिया जो बात मैं बता रहा था आपको, वो यहां पर ये रहा। एक एक चीज याद होनी चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय अ फेज एंगल पाई बाई टू, एंड एक्सलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय अ फेज एंगल पाई बाई टू। बाकी यहां पर मैंने आपको पूरा सिखाई दिया है, कहीं कोई कंफ्यूजन तो मेरे हिसाब से नहीं ही है। दैट्स इट। क्योंकि अब हमारे पास में अगला टॉपिक है वो है एनर्जी। ये बेसिक्स था, अब हमारे पास में अगला टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी देखो, जो पहला वाला मैंने अभी जो आपसे पढ़ाया ना, इसमें से आज तक कुल मिलाकर के जेई मेंस के 72 पेपर हुए हैं। अगर हम इस बार के जो जनवरी फरवरी के पेपर को छोड़ दें, तो जेई मेंस के अप नहीं फरवरी मार्च के पेपर को छोड़ दें, आज तक जेई मेंस के टोटल मिलाकर के 71 पेपर हुए हैं, और इन 71 पेपर में से मैंने अभी तक जो पढ़ाया कुल मिलाकर के 12 बार क्वेश्चन आया है, 12 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी काफी कम है। राइट? अगर हम इस वाले में बात करें, इस वाले एनर्जी से, तो एनर्जी वाला जो पोर्शन है उसमें से भी 11-12 बार क्वेश्चन आया है, लेकिन इसका सिलेबस बहुत कम है, तो इसको ढंग से पढ़ के जाना। हालांकि शाम वाले सेशन में मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, जो 5 बजे वाला सेशन है, लेकिन फिलहाल कुछ चीजें आप मान के चलिए। तो देखो, यहां पर होता क्या है, एनर्जी ऑफ एसएचएम के बारे में बात करूंगा, तो जैसे जैसे एक्सट्रीम पर होता है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक जीरो। मीन पर आता है तो काइनेटिक मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल जीरो हो जाती है, और फिर इसी तरीके से हमारा ये पार्टिकल जो है वो वेरी करने लगता है। मुझे बताइए कितने बच्चों को कहानी समझ में आ गई? पक्का? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है?
फॉर्मूला सिंपल है। देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पढ़ लेते हैं, क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, बोले तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो एम ओमेगा स्क्वायर है उसको आप के लिख सकते हो। ये हर बच्चे को पता है क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट में के बाय एम, बड़ी बात नहीं है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। दूसरा, ये जो वेलोसिटी है इसको मैंने लिख लिया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा, तो मेरे पास में दूसरा फॉर्मूला ये बन गया और ये कहलाता है काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पहला है काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, हाफ के स्क्वायर। एवरेज वैल्यू कितनी है, अब एवरेज वैल्यू का देखो फॉर्मूला अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं यहां पर सिखा रहा हूं। जब भी मैं किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू लूंगा, मान के चलिए dx के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा, वन सेकेंड, एवरेज वैल्यू लेने का तरीका सीख लो क्या होता है, कहां से कहां तक हमें लेनी है उस बेसिस पर डिसाइड होता है। मान के चलिए मुझे x1 से लेके x2 तक की एवरेज वैल्यू लेनी है, डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा कितना। अगर इसी फंक्शन का मैं t के रेस्पेक्ट में लूंगा तो ये बन जाएगा t1 से लेके t2 तक लेनी है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये होती है एवरेज वैल्यू लेने का फॉर्मूला। मुझे बताइए कितने बच्चों को समझ में नहीं आया। आ चुका है पक्का, श्योर, कोई कंफ्यूजन कि हां सर मुझे थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए एक बार, पक्का। चलिए, मैंने आपको यहां पर यह फंडा लिख के बता दिया, मैंने आपको यहां पर यह फंडा लिख के बता दिया। एवरेज वैल्यूज याद रखना, फॉर काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू जीरो से कैपिटल टी तक क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू जीरो से कैपिटल ए तक क्या रहती है, वो दोनों मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। आई थिंक आप तक कहानी पहुंच गई है। और हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज टू टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम, क्या कोई मुझे इसका रीजन बताना चाहेगा कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया। फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज टू टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम, क्या कोई मुझे इसका रीजन बताना चाहेगा, सोचिएगा। हम तब तक बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर दिस वन, एंड टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, विच इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी इज द समेशन ऑफ दोज टू फॉर्मूला, जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पर यहां पर लिखे हुए हैं। मुझे बताइए कितने बच्चों को यहां तक कोई कंफ्यूजन है, यहां सर मुझे समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज समझा दीजिए, मैं डेफिनेटली इसको डिस्कस करूंगा। अब जो मैंने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल होती है, वो समझो। देखो साइकिल को देखना, एक साइकिल में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम होगी, यानी दो बार मैक्सिमम हो रही है। देखो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, यहां मैक्सिमम हुई, मैक्सिमम हुई, देखो यहां पर मैक्सिमम हो गई, फिर मिनिमम हो गई, फिर मैक्सिमम हो गई, फिर मिनिमम हो गई, फिर मैक्सिमम हो गई, फिर मिनिमम हो गई। तो एक साइकिल में ये दो बार मैक्सिमम हो रही है, दो बार मिनिमम हो रही है, इसीलिए गाइज इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहां पर बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है ये टू टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, ये डबल है फ्रीक्वेंसी किसका, किसका, ये डबल फ्रीक्वेंसी है एनर्जी वाला। और हां एक और चीज, ये जो पॉइंट है यहां पर पोटेंशियल बराबर काइनेटिक है, ये वैल्यू होती है x बराबर a by root 2, शायद इस बात के जेई में पूछ लिया गया था, ये वैल्यू कितनी होती है x बराबर a by root 2, कहीं कोई कंफ्यूजन, बेझिझक बताइए कि हां सर हमको समझ में नहीं है, राइट। और मैं तुम्हें बताता हूं, ये जो ग्राफ दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, ये है हाफ के ए स्क्वायर, सॉरी
हाँ सही है, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये हो जाएगा दूसरा वाला क्या, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, ये होते हैं मेरे फॉर्मूले। कोई इश्यू? जेई मेंस का क्वेश्चंस क्या पूछा गया था 2015 में आपसे, पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, क्या फॉर्मूला था, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा, आप हिसाब से बना सकते हो, ये रहा ग्राफ जो आपको बना। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लेता है कि इनमें से काइनेटिक एनर्जी, अब ये गाइस ग्राफ याद रखना, ये ग्राफ होते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के ग्राफ ये वाले, अब कैसे बनते हैं इसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है वो थोड़ा सा अजीब है कि इफ अदर पोटेंशियल एनर्जी इज एडेड देन पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज। आप कहोगे सर ये अदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक कुछ तो इसका वर्ड होगा, ये अदर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, एक बार करने की कोशिश करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अदर पोटेंशियल एनर्जी। देखें बेटा फंडा क्लियर होना चाहिए, वन सेकेंड, सॉरी गाइस, या तो ग्राफ ऑफ एनर्जी में मैंने बोल रहा था कि अगर मैं अदर पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, इस लाइन का क्या मतलब है समझने की कोशिश करिएगा। देखो यार मैं यहां पर डिस्कस करूंगा काइनेटिक एनर्जी, फिर डिस्कस करूंगा पोटेंशियल एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी मान के चलिए इनिशियली कितनी थी, मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है ना, तो इनिशियली मेरे पास में ये थी मैक्सिमम, कितनी थी यू मान लेते हैं, पोटेंशियल थी जीरो, कुछ देर के बाद में ये हो गई जीरो, ये हो गई मैक्सिमम, फिर हो गई ये हो गई यू, ये हो गई फिर से जीरो, फिर उसके अलावा हमारे पास में ये हो गया जीरो, ये हो गई मैक्सिमम, कुछ ऐसी कहानी रहती है। बट समटाइम्स कुछ समय क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो उसको फॉर्मूला तो गाइस सेम रहेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का एक तरीका चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है, ये हो जाता है यू नॉट से लेके यू नॉट प्लस यू से लेके यू नॉट से लेके यू नॉट प्लस यू। आप कहोगे सर ये क्या है, ये बेटा मान के चलिए मैं उस एसएचएम को लेकर के चला गया 10वें माले पर, 10th फ्लोर पर, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड हो जाएगी, और जब एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो जाएगी तो क्या हम उसको काउंट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये हमारे पास में फंडा है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एनी इश्यू? पक्का आगे बढ़े, तो ये हमारे पास में जो एनर्जी ऑफ एसएचएम का ग्राफ है वो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, और यहाँ पर मैंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को भी शामिल कर दिया है, एक बार को इसको आप अगर कंफ्यूज हो तो आप वहां से वो कंसिडर कर सकते हैं। चलिए क्योंकि तो मेरा अगला टॉपिक जो है वो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और वो है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, जहां से हर बार एक नहीं तो कम से कम दो तीन चार क्वेश्चन तो बनते ही बनते, एक दो नहीं तो तीन चार क्वेश्चन तो यहां से हमेशा बनते ही बनते हैं, और ये हमें डिस्कस करना है, ये वाला जो क्वेश्चंस है किस तरीके से करेंगे क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पर पूरा डिस्कस करके बताऊंगा क्या हमारा फंडा रहेगा। कोई कंफ्यूजन है तो गाइस आप मुझसे पूछ सकते हैं, बोलिए एनी डाउट। चलिए टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालते कैसे हैं,
टाइम पीरियड एस्टिमेट निकालते कैसे हैं? तो देखो मैंने इसके कुछ स्टेप्स लिखे हैं शायद। सबसे पहला स्टेप्स है फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, अच्छी बात है। अगला स्टेप है शिफ्ट द ब्लॉक बाय डिस्टेंस एक्स, मैं ये बोलना भूल गया, इन फॉरवर्ड एक्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, या आप कह सकते हो इन पॉजिटिव डायरेक्शन। मैं उसको एक्स डिस्टेंस शिफ्ट करूंगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अच्छी बात है। उस पर फिर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूंगा, और नेट फोर्स कैलकुलेट करने के बाद मैं, अगर नेट फोर्स माइनस के एक्स है तो टाइम पीरियड मेरे पास में होता है 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के। बस हमें इतना याद रखना है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप गाइज आपका सिंपल सा है कि आप उसको क्या करो, इक्विलिब्रियम पोजीशन आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में उसको आप हल्का सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस शिफ्ट करो, और एक्स डिस्टेंस शिफ्ट करने के बाद में अगर मेरे पास में नेट फोर्स की जो वैल्यू आती है वो कितनी हो जाती है, 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के, अगर फोर्स मेरा माइनस के एक्स है तो। कैसे? सपोज करिए ये थी आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां से एक्स डिस्टेंस पर मैंने शिफ्ट किया, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है? पीछे की तरफ लग रहा है ना, फोर्स कितना लग रहा है? माइनस के एक्स। तो टाइम पीरियड मेरे पास में कितना बन जाएगा? 2 पाई अंडर रूट में एक लाइन का आंसर। अब मान के चलिए इसी ब्लॉक को उठा करके मैंने ग्रेविटी में रख दिया और ये वहां पर एसएचएम कर रहा है, ये यही ब्लॉक उठा करके मैंने रख दिया ग्रेविटी में और ये यहां पर एसएचएम करने लग रहा है। तो गाइस सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो हम निकालेंगे मीन पोजीशन, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। मीन पोजीशन पर क्या होता है? मीन पोजीशन में मान के चलिए ये इसकी गाइस मीन पोजीशन है, यहां पर एफ नेट होगा वो 0 होगा। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा स्प्रिंग का, नेट फोर्स 0 होगा। तो मान के चलिए स्प्रिंग ऑलरेडी एक्स नॉट से डिस्प्लेस्ड है, तो क्या मैं यहां पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, नीचे की तरफ लगेगा एम जी, ऊपर की तरफ लगेगा के एक्स नॉट, और ये बन जाता है के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, एक लाइन का आंसर। तो यहां से मेरे पास में एक्स नॉट की वैल्यू बन जाएगी कितनी? एम जी बाय के। मुझे बताइए कितने बच्चों को ये कहानी समझ में आ चुकी? एक्स नॉट की वैल्यू बन जाएगी एम जी बाय, पहला पॉइंट। दूसरा, ये वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, आपके ऊपर है, फिर क्या करना है आपको? आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको एक्स और शिफ्ट करना है। तो मैंने इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्स और शिफ्ट किया, अब क्या हो गया? अब मेरे पास में नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है के एक्स नॉट प्लस एक्स। तो गाइज मेरे पास में एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई? एम जी माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स, बोले तो एम जी माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स, ये कैंसिल हो गया माइनस के एक्स, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट में एम। अब क्या पता चला मुझे? पता गाइज ये चला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली है। क्या पता चला है? मैं यहां पर लिख लेता हूं, क्या यहां पर एक ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स लग रहा था ऐसे, तो मैं लिखूंगा ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स ओनली। केवल क्या चेंज होता है? अगर मैं एक कांस्टेंट फोर्स लगाता हूं तो उसकी वजह से ओनली इक्विलिब्रियम पोजीशन विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम पोजीशन विल शिफ्ट, केवल इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगी, नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मुझे बताइए कितने बच्चों को ये कहानी समझ में आ गई? केवल इक्विलिब्रियम की पोजीशन ही शिफ्ट होगी, टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे बताते चले जाइए कि हाँ सर ये वाला मेरे लिए क्लियर है, बाकी आप अपना बता दीजिए। एग्रीड?
अब मान के चलो मैं इसको राइट डायरेक्शन में खींच रहा हूं, तो गाइज मुझे अब तक तो आइडिया लग गया है, एक कांस्टेंट फोर्स एफ से टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एम बाय के। क्वेश्चन, मान के चलिए मैंने यहां पर आपको स्प्रिंग का मास दे दिया एम एस, मैंने यहां पर आपको स्प्रिंग का वन सेकेंड मैंने यहां पर आपको स्प्रिंग का मास दे दिया एम एस। अब आप क्या करोगे? बहुत सिंपल सा तरीका है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एम प्लस एम एस बाई 3 डिवाइड बाय के। कई लोग एकदम कंफ्यूज होंगे, सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया? तो गाइस आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है, ना ही रिक्वायर्ड है, बिकॉज नहीं रिक्वायर्ड है, सिंपल सा लॉजिक है, नहीं रिक्वायर्ड है। आप इसको चाहो तो विकिपीडिया पे जाकर के चेक कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट में कैपिटल एम प्लस एम एस बाई 3 डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अगर मेरे पास में दो ब्लॉक दिए हो तो शायद ये वाला क्वेश्चन हमने सेंटर ऑफ मास में किया हुआ है, और नहीं किया है तो अब देख लेते हैं। देखो मान के चलिए, सबसे पहले तो मैं इसका टाइम पीरियड सीधे सीधे निकाल देता हूं, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एम रिड्यूस डिवाइड बाय के, एम रिड्यूस डिवाइड बाय के। आपको सर ये कैसे निकाला? देखो यार मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं, इसको मैंने एक्स शिफ्ट किया या एक्स वन शिफ्ट किया, तो गाइज ये एक्स टू शिफ्ट होगा, और सबसे पहली बात एम वन एक्स वन बराबर एम टू एक्स टू हो जाएगा, ये तो मेरा पहला पॉइंट है। जब एम वन एक्स वन बराबर एम टू एक्स टू हो जाएगा, आप इस पर एफ नेट निकाल लेंगे, एफ नेट हो जाएगा कितना? माइनस के एक्स वन प्लस एफ टू। सॉल्व करिएगा, ये बन जाएगा एम वन ओमेगा स्क्वायर एक्स वन इज इक्वल टू माइनस के एक्स वन प्लस एक्स टू की जगह डाल देना कौन सा, एम वन एक्स वन बाय एम टू। ओके, चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 2 मिनट दिए, 1 मिनट दिया, ट्राई करने का, सॉल्व करिए क्या आंसर आ रहा है। बोलिए गाइस, करें करते हैं। मेरे पास में 3 स्प्रिंग है और 3 स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या बन जाएगा? 1 बाय के नेट इज इक्वल टू 1 बाय के वन प्लस 1 बाय के टू प्लस 1 बाय के थ्री। आपके पास में ये फॉर्मूला होता ही है, तो गाइज यहां से मैं के नेट का फॉर्मूला सीधे सीधे निकालूंगा, के वन के टू के थ्री डिवाइडेड बाय के वन के टू प्लस के टू के थ्री प्लस के वन के थ्री। और जैसे ही मेरे पास में ये फॉर्मूला आ गया, तो मैं यहां पर सीधे सीधे निकाल सकता हूं टाइम पीरियड का फॉर्मूला, क्या बन जाएगा? 2 पाई अंडर रूट में क्या हो जाता है ये, एम डिवाइड बाय के नेट। ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कहना है, 2 पाई अंडर रूट में एम डिवाइड बाय के नेट ही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इस बार के नेट का फॉर्मूला हो जाएगा के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। और गाइस आज शाम का सेशन कौन सा, कितने बजे वाला? 5 बजे वाला, और 7 बजे वाला अटेंड करना मत भूलना, पूरा ये कंप्लीट है। ये मैंने 12 बजे स्टार्ट किया है ना, अभी 1:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे, 2:30 बजे या 3 बजे तक मैं खत्म करूंगा इसे, 2.5 से 3 घंटे की मैराथन रहेगी, फिर 5 बजे और 7 बजे, एक दिन में पूरा चैप्टर फिनिश, या मैक्सिमम 2 दिन, ठीक है? जैसे वेव्स है, काफी बड़ा टॉपिक है, तो मैंने 2 दिन मांग लिए,
एटीजी के लिए एक दिन लगेगा, थर्मोडायनेमिक्स के लिए फिर 2 दिन लगेंगे। तो ऐसे करते करते हम कोशिश करेंगे डिटेल में मैं मैराथन लूं और पूरा सिलेबस आपका जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, राइट। चलिए, अच्छा ये दो स्प्रिंग कैसी हैं, सीरीज में है कि पैरेलल में? मोस्ट ऑफ द बच्चे यहां पर देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो सीरीज में है, लेकिन मैं आपको एक फंडा बताता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फंडा क्या है कि डेल्टा एक्स मस्ट बी सेम और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये भी मस्ट बी सेम। तो यहां पर अगर मैंने इसको नीचे की तरफ ऐसे हल्का सा धक्का दिया तो गाइज ये हमारा डेल्टा एक्स से कंप्रेस होगा और ये हमारा डेल्टा एक्स से एक्सटेंड होगा, और फोर्स की डायरेक्शन इधर हमारा दोनों तरफ सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं यहां पर ये दोनों पैरेलल में है, तो के नेट का जो फॉर्मूला रहेगा वो लगेगा K1 + K2, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2π√ में m/K1 + K2। कितने बच्चों को कहानी समझ में आ चुकी है? एग्रीड। अब जैसे मुझे जेई 1990 का एक क्वेश्चन है प्यारा सा, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चा लोगों, ठीक है? बोलिए बच्चा लोगों क्या आंसर आ रहा है। बड़ा क्यूट सा आंसर आएगा, टाइम पीरियड बेस्ड क्वेश्चंस फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्या आंसर आएगा? ये दोनों हमारे पास में कैसी हैं, पैरेलल में, क्या बन जाएगा 3K। ये दोनों कैसी हैं सीरीज में, क्या बन जाएगा K। 3K और K कैसे हैं पैरेलल में, क्या हो जाएगा 4K। टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक लाइन में आंसर निकालूंगा, 2π√ में m/4K, 2π√ में m/4, दैट इज माय आंसर, ओके। अब आते हैं असली सवालों पर। मैं 3 क्वेश्चन आपको दूंगा, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको दिया जाएगा और आपको उनके आंसर निकालने हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यू नीड टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ दिस ब्लॉक विच इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग वाया पुली एंड द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज के। यू नीड टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। यू नीड टू कैलकुलेट योर टाइम पीरियड एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। बोलिए व्हाट इज योर आंसर, थिंक एंड टेल मी फटाफट। कोशिश करिए, 30 सेकेंड्स लेफ्ट, मैंने टाइमर काउंट किया हुआ है। तो गाइस यार लाइक वाइक का नंबर बढ़वाओ यार, 25 लाइक हुए अभी तक। ओ इतने दिनों बाद मैंने क्लास ली, कोविड में भी 25 ही लाइक हुए हैं, ना इंसाफी है ये तो। बढ़वाओ टाइम मैम का। क्या आंसर आ रहा है देखते हैं गाइस, सीधा सा तरीका है, मैं तो अपनाता हूं सीधा। मैं तो कहूंगा इक्विलिब्रियम पोजीशन जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने इसको नीचे की तरफ एक्स शिफ्ट किया तो ये स्प्रिंग भी एक्स शिफ्ट होगी, चेंज इन टेंशन कितना आ जाएगा के एक्स, तो टाइम पीरियड हो जाता है 2π√ में m/k। वेरी गुड, एक लाइन का आंसर निकाला, हर बच्चे ने अच्छे से निकाला, बहुत बहुत बधाई हो, राइट। इसमें क्या होगा कि अब मैंने स्प्रिंग को यहां पर लटकाने की बजाय पुली के ऊपर लटका दिया है। देखिए गाइस एक छोटा सा स्लाइटली चेंज आता है और वो चेंज इतना क्यूट सा लगता है ना कि हमें मजे आते रहते हैं। और हाँ आपसे भी कह रहा हूं, बीच बीच में हाइना में जवाब देते रहा करो ताकि पता चलता रहे कि आई एम टीचिंग ह्यूमन बींग्स नॉट सम मशीन्स, ठीक है? चलिए तो मान के चलिए मैंने यहां पर इसको एक्स धक्का दिया, राइट। आप सभी ने फंडे पढ़े हैं, इसके कंस्ट्रेंट वाले रूल पढ़े हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या एक्स बाई 2 नहीं हो जाएगा? होना तो चाहिए सर,
और जैसे ही इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स बाई टू है, तो क्या बच्चों यहां पर जो टेंशन है वो के एक्स बाई टू नहीं हो जाएगी? होनी चाहिए। और यहां पर जब के एक्स बाई टू है, तो क्या सर यहां पर जो टेंशन है वो हमारे पास में के एक्स बाई फोर नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहां पर अगर टेंशन मेरे पास में टी है, तो यहां पर गाइज होती है कितनी, टी बाई टू। तो यहां पर चेंज इन टेंशन के एक्स बाई टू आया, नीचे हमारे पास चेंज इन टेंशन के एक्स बाई फोर आएगा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एम डिवाइड बाय के बाय फोर। वाई के बाय फोर, बिकॉज यहां पर हमारे पास में एक्स डिस्प्लेस करने पर ऑब्जेक्ट को चेंज इन टेंशन आ रहा है के एक्स बाय फोर, दैट इज वाई टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट में एम डिवाइडेड बाय के बाय फोर। कितने बच्चों को ये कहानी समझ में आ चुकी है कि हाँ सर मुझे तो क्लियर है, बाकियों का पता नहीं? मने तो क्लियर है, मने तो क्लियर सर, ही लैंग्वेज है ना राजस्थानी में। अब तीसरा फंडा देखो, पहले मैं स्प्रिंग कहां थी, ब्लॉक की रस्सी में लटकी थी, फिर कहां लटका दी, पुली में लटका दी, इस बार कहां है, इस बार हमने उसको टॉप मोस्ट पॉइंट पर ऐसे बांध दिया है। अब बोला जा रहा है अब बताओ, चलो आप क्या कहोगे, वही कहानी कि हम इस ब्लॉक को नीचे एक्स धक्का देंगे तो ये हमारा 2x जाएगा। भाई जो था पहले उसका उल्टा ही तो हो गया, पहले यहां पर पुली की स्ट्रिंग को एक्स दे रहे तो ये एक्स बाई टू था, अगर ये एक्स है तो ये 2x होगा। सेम यहां पर चेंज इन टेंशन कितना हो जाएगा गाइस, यहां पर चेंज इन टेंशन हो जाएगा 2kx, तो यहां पर चेंज इन टेंशन हो जाएगा 4kx, और टाइम पीरियड बन जाएगा कितना, 2 पाई अंडर रूट में एम डिवाइड बाय 4k, और आपको कुछ नहीं करना है, राइट? पक्का? अच्छा मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं, मैं जो आइडिया नहीं मैंने दिया है कि नहीं दिया है, वो नहीं दिया है, और इतना प्यारा शॉर्टकट है कि आपके बड़े काम की चीज है वो। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल टू यू, और इस क्वेश्चन को करने के बाद में मुझे नहीं लगता कि कुछ बचेगा। कैसे, मान के चलिए आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दे देता हूं, समझ रहे हो क्या करवा रहा हूं मैं? अब मैंने बोल दिया हाँ भैया बताओ, चलो टाइम पीरियड कितना है, ये है के वन, ये है के टू, ये है के थ्री, ये है के फोर, ये है के फाइव, और यहां भी लिख दिया मैंने क्या, ये है के सिक्स। अब कैसे करोगे, क्या मेथड रहेगा, 1 मिनट दे रहा हूं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कि अगर मैं इसको एक एक करके करूंगा तो बैंड बजनी तय है, और फिर हम सीख क्या रहे हैं, शॉर्टकट नहीं सीख रहे, तो कोशिश करके बताइए क्या आएगा। बताइए गाइस क्या आंसर है, चलिए गाइस एक सीधा सा आंसर, 2 पाई अंडर रूट में एम डिवाइड बाय के नेट। अब के नेट को लिखने का तरीका सीख लो, कैसे, जो 1 बाय के नेट है ये बन जाएगा 1 बाय, देखो अगर पुली के यहां पर स्प्रिंग लगी हो तो ये क्या बन जाता है गाइस पता है, ये बन जाता है 4k1। अगर पुली के ऊपर स्प्रिंग लगी हो तो ये बन जाता है 1 बाय 4, तो यानी K2 बाय 4, K3 बाय 4, K4 बाय 4, K5 बाय 4, और 1 बाय K6। K6 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, K6 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक के ऊपर बना हुआ है। मुझे बताइए कितने बच्चों को यहां तक की कहानी समझ में नहीं आई, जो भी मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया कि स्प्रिंग पुली का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम और डिटेल क्वेश्चंस पे जाएंगे।
स्प्रिंग पुलिस सिस्टम का ये लास्ट क्वेश्चन, बोलते जाइए कि हाँ सर मने समझ में आ गई, बाकियों का सब पता नहीं। एनीवन, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं होता, राइट? पक्का? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर वन, मतलब नंबर वन तो नहीं, अगला क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है। नहीं समझा सर? बिल्कुल समझ लीजिए, सुनिए, आप इसको अलग-अलग ट्रीट करो। जैसे अगर एक पुली है, राइट, अगर एक पुली के मैं यहां पर स्प्रिंग बांध दूंगा, तो जिसे ये वाले क्वेश्चन में मैंने देखा था, उस स्प्रिंग का 4 टाइम्स के काउंट होता है आर्या, ऐसे ही मैंने यहां पर क्या कर दिया, 4 टाइम्स K1। मुझे बताइए इस वाले पॉइंट तक डाउट? उस स्प्रिंग का 4 टाइम्स K काउंट होता है, तो मैंने 4 टाइम्स K बना दिया, क्या इश्यू है? कोई इश्यू तो नहीं है ना। और जैसे ही ये बनाया, फिर अगर मेरे पास में पुली के टॉप मोस्ट पॉइंट से बंधा हुआ है रस्सी, समथिंग लाइक दिस, तो मैं उस स्प्रिंग का 1/4 काउंट करूंगा। तो यहां मैंने 1/4 लिख लिया, K2/4, K3/4, K4/4, K5/4, इसी तरीके से कहानी चल रही है। अब मुझे बताओ क्या बुराई है? गॉट इट ना? शॉर्टकट है यार, आपको यहां पर लॉजिक समझना पड़ेगा। यहां मैंने बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करी है, राइट? कोई दिक्कत? चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये JEE AI EEE 2011 में ही नहीं आया, ये इस बार भी पूछा गया है, इस बार समझ रहे हो, ये अभी भी पूछा गया है, इस वाले पेपर में भी ये पूछा गया है, ये जेई मेंस का ये वाला जो पैटर्न हुआ है, इधर भी पूछा गया है। तो कोशिश करना है हमें से सॉल्व करने का। अ मास एम अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स SHM विद एन एम्पलीट्यूड A1। व्हेन द मास एम पासेस थ्रू इट्स मीन पोजीशन, देन अ स्मॉलर मास एम इज प्लेस्ड ओवर इट एंड बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर विद एम्पलीट्यूड A2। द रेशियो ऑफ द A1 एंड A2 इज, मैं आपको टाइम दे रहा हूं गाइस 1 मिनट का, सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं कर पाएंगे तो मैं तो हूं ही ना, डोंट वरी, राज इज हियर। एनीवन गाइस, करें, किसी को आंसर देना हो दे सकता है अभी भी। कैपिटल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, लेट्स सी क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। देखो यार, कई बच्चे यहां पर कई अलग 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 तरीके का आइडिया लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा है ना, मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा है ना, तो एक काम करते हैं यहां पर ना हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। का बिल्कुल ठीक, ये बन जाएगा हाफ हाफ एम। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी को क्या मैं लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा के बाय M1A1 स्क्वायर, लिख रहा हूं ना, ये हमारे पास में है हाफ एम बी इनिशियल का स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ, बाद में मास हो गया एम प्लस एम,
और ये बन जाएगा के डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम a2 स्क्वायर। गाइस यहां से तो a1 बराबर a2 आ गया और डेफिनेटली ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप उस ब्लॉक के ऊपर कुछ भी रखोगे आप कुछ तो वर्क डन करोगे ना यार, कुछ तो वर्क डन करोगे। तो इसीलिए ये वाला हमारे पास में रॉन्ग मेथड है। सही मेथड क्या है? सही मेथड है पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। मोमेंटम कंजर्वेशन कराएंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मोमेंटम कंजर्व होगा। आप एक पॉइंट समझने की कोशिश करिए, इवन आपने ऐसे रखा तो आप जो फोर्स लगाओगे वर्टिकल में लगाओगे उसका हॉरिजॉन्टल में कोई वर्क डन नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल पर नेट फोर्स जीरो है, इसीलिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? मैं लिखूंगा इनिशियली मास, सॉरी छोटा वाला है ना इनिशियली, कैपिटल एम है ना, हाँ कैपिटल एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट में के डिवाइड बाय कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय ए, ये वेलोसिटी का है, फाइनली हो जाता है स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम नहीं कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, रेस कर देते हैं। हाँ फाइनली हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय के डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय ए डैश। तो गाइज यहां से ए बाय ए डैश की वैल्यू एक लाइन पर आ रही है, कितनी आ रही है? ए बाय ए डैश की जगह वैल्यू निकालोगे ये बन जाएगा अंडर रूट में एम प्लस एम डिवाइड बाय कैपिटल एम। दूसरा सवाल क्या है? इसमें वही पूछा है द फ्रिक्शन कॉफिशियंट बिटवीन टू ब्लॉक इज म्यू, और इसको मैंने यहां से छोड़ दिया। टाइम पीरियड कितना है? एक लाइन का आंसर मैं लिखूंगा, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करने को मौका मिलेगा। टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाय के, क्योंकि दोनों एक साथ एसटीएम कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट दूसरा भी सही है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन इज एक्स, यानी कि जब ये मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पर है, तो गाइज यहां पर एक्सलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास में एक्सलरेशन अगर ओमेगा स्क्वायर एक्स है तो यहां पर मेरे पास में फ्रिक्शन लगेगा, ऐसे फ्रिक्शन बन जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कि एम ओमेगा कितना है? ओमेगा है के डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये बी वाले का आंसर हो गया। लेकिन सी वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या? कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अगर ऊपर वाला स्लिप नहीं हो रहा है तो? गाइज याद करिए मैंने आपको एक फंडा बताया था, याद करो, वर्टिकल में से ऊपर नीचे मूव करता है। मुझे बताइए इसके स्लिप होने के चांसेस कहां ज्यादा है, जहां पर सबसे ज्यादा एक्सलरेशन लग रहा है? तो यही मैं करूंगा कि एक्सलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो म्यू जी से कम होनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि मुझे यहां से आगे कुछ पता। तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के तीनों आंसर मैंने यहां पर स्क्रीन पर लिख दिए हैं। आप मुझे फटाफट से बताइए कि हाँ सर मुझे ये समझ में नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। आई विल हैप्पीली एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे समझा दीजिए, मैं फटाफट से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैं यहां पर ऑलरेडी आपको जो चीजें बतानी थी वो अच्छे से बता चुका हूं। कोई इश्यू गाइस? पक्का? चलिए आपको इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट दिए गाइस, ये ब्रेक ले लें थोड़ा सा, 4-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं क्या आप बताइए? क्योंकि मैं ये लेक्चर कम से कम 3 बजे तक तो लेके जाऊंगा। 4-5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं आप भी, क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब चली रही है आपको बताइए, और रेगुलर या फिर चलो छोड़िए पे मान लिया, चलो नहीं ले रहे पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? द लेफ्ट ब्लॉक इन फिगर कोलाइड इन इलास्टिकली विद द राइट ब्लॉक एंड स्टिक्स टू इट, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग एस एच एम। बताइए क्या आंसर आ रहा है? जो रिजल्टिंग एस एच एम है उसका एम्पलीट्यूड बताना है। थिंक अबाउट इट, क्या आंसर आएगा? बोलिए बोलिए, सोचिए एक बार,
सोच समझ के आंसर निकालेंगे। देखो जितना ज्यादा आप सोचोगे ना, जितना ज्यादा आप अपनी थॉट प्रोसेस को एक्टिवेट करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। थॉट प्रोसेस जो है, पॉइंट को समझो, ये वाला ब्लॉक जो है देखो कैसे जा रहा है। हम फिजिक्स में कई बार बोलते हैं कि यार आपको को क्वेश्चंस को विजुलाइज करना चाहिए, सीखना चाहिए, फील आनी चाहिए। मेरे पास में ये ब्लॉक है, दिख रहा है आपको, ये ब्लॉक जाकर के इससे टकराता है, और जब टकराता है तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते हैं। तो आपको क्या करना है, एक लाइन का आंसर कि मेरे पास में एक ब्लॉक था जो कि वी वेलोसिटी से जा रहा था, बाद में ये दोनों ब्लॉक हैं जो वी फाइनल से चलने लगे। तो भैया वी फाइनल तो मैं वी बाई टू सीधे सीधे लिख सकता हूं ना, मोमेंटम कंजर्वेशन, और मुझे निकालना है एम्पलीट्यूड। तो आपकी जो मोमेंटम कंजर्वेशन से, आपकी जो मोमेंटम कंजर्वेशन से जो वैल्यू आई है ये किसके बराबर है, ये है हाफ के ए स्क्वायर, ये है हाफ के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से गाइस क्या बन रहा है, ये बन रहा है एम वी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर, और यहां से ए स्क्वायर का फॉर्मूला 2 से गया ये 2 बार, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास में एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के। अब ए की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, क्या बुराई है, राइट right? चलिए यहां पर अब 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 50 से 55 तक का, आप तब तक के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, वरना आप भी कहोगे सर के 2 घंटे हो गए ब्रेक में लिया है ना, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते, कोई इश्यू तो नहीं है गाइस, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एज आई सेड, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करते रहिए। चले गाइस, ब्रेक टाइम ओवर, ब्रेक टाइम ओवर और नॉट, क्या कहते हो, ब्रेक खत्म करें, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है और रेस्ट पर है। नाउ मास M1 इज रिमूव फ्रॉम M2, मास M1 को आपने रिमूव कर दिया फ्रॉम M2 से, फाइंड द टाइम पीरियड एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोशन इफ द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज के। अब इस क्वेश्चन को देखना और समझना बहुत ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल भी नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, देखो कैसे समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये हमारे पास में बन गया फंडा, हमने ये बना लिया ऊपर का फंडा, राइट। देखो गाइज ये थी मेरे पास में ओरिजिनल स्प्रिंग, ये थी मेरे पास में ओरिजिनल स्प्रिंग, किसी को दिक्कत ओरिजिनल स्प्रिंग को देखने में, नहीं। फिर क्या हुआ कि मैंने जैसे ही यहां पर इसको ऐसे कर दिया, ये ऐसे बना हुआ है, ये है M2 और ये है M1, और एक कंडीशन में ये बना देता हूं, अब जो कहानी मैं कहने जा रहा हूं वो
वो अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्या है कहानी उच्चा? कहानी में ये है कि अगर मैं इस स्प्रिंग को, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस गाइस हो जाएगी आई थिंक m1 प्लस m2 g डिवाइडेड बाय k। यानी इनिशियली अगर मैं ये दोनों ब्लॉक को लटका के रखता हूं तो मेरे पास में ये स्प्रिंग कितना एक्सटेंडेड है, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय k। अच्छी बात है। अब अगर मैंने अचानक से इस m1 को हटा लिया तो गाइस जो एक्सटेंशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, ये हमारे पास में अब बन जाएगा कितना, केवल ये हो जाएगा m2g बाय k। ये कहानी है। अब क्वेश्चन को ढंग से समझना। मुझसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड एंड द एम्पलीट्यूड। तो देखो फाइनली हमारे पास में सिचुएशन कुछ ऐसी है, जब फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसी है तो मैं क्या लिखूंगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये तो बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट में m2 डिवाइड बाय k। पहली चीज, कोई दिक्कत? और हाँ, इसको मैं लिखूंगा क्या, इसको मैं बोलूंगा मीन पोजीशन। क्या बोलूंगा? मीन पोजीशन। नई मीन पोजीशन है यह है मेरे पास में, क्या यह है न्यू मीन पोजीशन। और इनिशियली वो यहां पर था और वो रेस्ट पर था जब मैंने ब्लॉक को वहां से उठाया। तो एक बात बताइए, रेस्ट पर पार्टिकल कब होता है? रेस्ट पर पार्टिकल कब होता है? जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। तो बस आंसर आ चुका है, ये हमारे पास में रेस्ट पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, वो है नई मीन पोजीशन पर। और जो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, ये वाला, ये डिफरेंस ही तो कहलाएगा क्या, ये डिफरेंस गाइस कहलाएगा m1g डिवाइडेड बाय k। क्या कहलाएगा? m1g डिवाइड बाय k। और यही होता है एम्पलीट्यूड। एक एक स्टोरी क्लियर होनी चाहिए। m1g डिवाइड बाय k और यही गाइस कहलाता है क्या, एम्पलीट्यूड। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं उसी में। कैसे? अगर मान के चलिए क्वेश्चन में ये होता कि मैंने अचानक से m1 रख दिया, m1 को पुट ऑन कर दिया, मतलब इसके ऊपर रख दिया, तो क्या सर कहानी में चेंज आता? बिल्कुल, थोड़ा सा चेंजेस आ जाते। कैसे? ये मेरे पास में स्प्रिंग है ओरिजिनली, ठीक है, ये मेरे पास में ओरिजिनल स्प्रिंग है। इनिशियली क्या था? इनिशियली कहानी कुछ ऐसी थी, ये डिफरेंस डिस्टेंस कितना था, ये था m2g बाय k। फाइनली क्या हो गया? फाइनली कहानी कुछ ऐसी हो गई और ये क्या बन गया, ये डिस्टेंस हो गई m1 प्लस m2 g बाय। ये तो कहानी है। तो गाइस क्या मैं यहां पर एक चीज लिख सकता हूं छोटी सी, क्या कि इस बार टाइम पीरियड का तो वैल्यू हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट में m1 प्लस m2 डिवाइड बाय k, और जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा m1g बाय k, क्योंकि ये इस बार फिर से एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। तो बीच का डिस्टेंस कितना है, क्या बुराई है? इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। कहीं कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताइए, अदरवाइज गाइस हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी कंफ्यूजन की, हाँ सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे प्लीज समझा दीजिए, तो बताइए, वरना हम आगे बढ़ जाते हैं। बोलिए एवरीवन, क्योंकि अगला मेरा जो मेथड है वो है एनर्जी मेथड। अभी तो काफी कुछ बचा हुआ है भाई, टाइम लगेगा, मजे आएंगे, आपको भी आएंगे, हमें भी आएंगे, सबको आएंगे। क्योंकि अगला है मेरे पास में एनर्जी मेथड, और एनर्जी मेथड के भी 3 स्टेप्स हैं। क्या? सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करिए बाय बैलेंसिंग फोर्स या टॉर्क, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बॉडी को उसके अबाउट ऑसिलेट कराना है और एक इंटरमीडिएट पोजीशन के अबाउट, और उस पॉइंट पर टोटल एनर्जी लिखनी है विद 0 रिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, ठीक है, और उसको डिफरेंशिएशन करके 0 कर देना है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, तो डिफरेंशिएशन करके 0 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब कहेंगे सर एक बार इसको प्रूफ करके दिखा दीजिए, तो मैं एक बार प्रूफ करके दिखाता हूं इसी वाले पैटर्न पर। मेरे पास में ये m है, ये इसकी मेन पोजीशन है, कितनी पोजीशन थी, x नॉट, और वहां से हमने कितना और डिस्प्लेस किया, x और डिस्प्लेस कर दिया। तो देखिए एक सीधी सी फंडा है, समझने की कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा,
आप अगर कहीं कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताइएगा। ये बन जाएगा माइनस एम जी एक्स प्लस एक्स नॉट, कौन सी एनर्जी हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेप करेंगे हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट, कर दिया। तो डिफरेंशिएशन जैसे ही करोगे ये बन जाएगा माइनस एम जी प्लस जीरो, माइनस एम जी एक्स नॉट का डिफरेंशिएशन का जीरो होता है, प्लस ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2v dv by dx प्लस हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बराबर 0। तो ये बन जाता है गाइस क्या, एक लाइन में देखते हैं, माइनस एम जी प्लस ये बन जाता है कितना, एम वी डीवी बाई डी एक्स प्लस के एक्स नॉट प्लस के एक्स बराबर जीरो। अब हर बच्चे को पता है के एक्स नॉट से एम जी डिस्प्लेस हो जाएगा और यहां से बन जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाय एम, वही कहानी आ गई जो हम पहले से पढ़ के चल रहे थे, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं। और हाँ बच्चों, ऐसा नहीं है कि यही जो क्वेश्चंस करा रहा हूं सर यही क्वेश्चंस हैं, शाम को 5 बजे का भी सेशन है, उसके बाद में रात का भी सेशन है, तो ये दोनों चीजें हम मेंटेन करेंगे, शाम वाला उसके बाद वाला, मतलब 5 PM और 7 PM दो सेशन है ना, दोनों मेंटेन करेंगे। आप तब तक लाइक शेयर बढ़वाते रहिए, ठीक है। चले तो गाइस पहला सवाल मैं आपको इसके लिए 1 मिनट दे रहा हूं, सोचिए समझिए आंसर निकालिए, 1 मिनट। वन मिनट ओनली। आया आंसर, आया बेटा, कोशिश करें, करते हैं। सबसे पहले मैंने मान के चला कि आपको निकालना है इसके बारे में, राइट। मैंने इसको एक्स डिस्प्लेस किया, टोटल एनर्जी कितनी बन जाएगी, ये हो जाएगा गाइस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट, यही तो है। चलिए हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर है ना, एम आर स्क्वायर बाय 2 कर दें, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस हाफ के को के रहने दें, एक्स स्क्वायर, अच्छा कांस्टेंट की जगह मैं सी लिख देता हूं। सबसे पहला काम क्या करूंगा गाइज, मैं इन सारे हाफ हाफ के टर्म्स को मैं कैंसिल आउट करूंगा, की बातें कर लेते हैं। तो यहां से ये हाफ से हाफ से हाफ गया, मेरे पास में क्या आ जाता है, ये आ जाता है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ये हो जाता है मेरे पास में क्या, सी बाई 2 एम वी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, बात है। मैं लिखूंगा यहां पर थ्री बाई टू एम वी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो यहां से मेरे पास में आ जाएगा थ्री बाई टू एम टू वी डी वी बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन करते समय के मल्टीप्लाइड बाई 2x बराबर 0। यहां से आ जाता है 2 से गया 2 एम डी डी वी बाई डी एक्स प्लस ये बन जाएगा 2 kx बराबर 0। तो यहां से वी डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू गाइस क्या बन जाती है, ये बन जाती है माइनस 2 kx बाई 3,
आई डोंट थिंक गाइस कि अब मुझे कुछ बताने की जरूरत है। जो भी कैस के प्रोपोर्शनल में है वही होता है 2 पाई अंडर रूट में एम डिवाइड बाय 2 के बाय एंगुलर एस एच एम। अगेन क्वेश्चंस मैंने लिमिटेड रखे हैं क्योंकि मैराथन में हमारा ताल्लुक केवल मैराथन से है। जो डिटेल्ड क्वेश्चंस है वो शाम को 5 बजे 7 बजे सेशंस होंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो घबराना मत, ये मत बोलना कि सर और भी हमें सेशंस करके दो, ठीक है। एंगुलर एस एच एम क्या होता है? द पार्टिकल इन्वॉल्व मूव्स टू एंड फ्रो अलोंग एन आर्क ऑफ अ सर्किल। यानी कि जो पार्टिकल है टू एंड फ्रो मोशन तो हो रहा है लेकिन अलोंग दी आर्क ऑफ द सर्किल हो रहा है। अब ये कैसे काम करेगा मैं आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा, समझते चले जाना। ऑसिलेटरी होता है, ऑसिलेटरी होता है और कुछ ऐसा ही है जैसा कि हमने पढ़ा था। जैसे फोर्स जो होता था वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता था नेगेटिवली, वैसे ही द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अबाउट सम फिक्स एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्शन सच दैट इट हैज अ टेंडेंसी टू ब्रिंग द पार्टिकल टू इट्स मीन पोजिशन। यानी कि ये अपनी मीन पोजिशन की तरफ आने की बार बार कोशिश करेगा। एवरीवन एग्रीड और नॉट? राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया टॉर्क का फॉर्मूला, इट इज माइनस सी थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू आई अल्फा। क्या है? इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हमारे पास में देखो जैसे फोर्स था माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट, वैसे ही टॉर्क हो गया माइनस सी थीटा माइनस थीटा नॉट आई अल्फा। तो यहीं से मैं फॉर्मूला निकालूंगा जो कि बहुत फेमस फॉर्मूला है टॉर्क का टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट में आई बाई सी। और जो फॉर्मूले हमने पहले पढ़े थे एज इट इज लगभग वही फॉर्मूले हैं। वहां पर था ए बराबर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यहां पर है अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और वहां पर ओमेगा का फॉर्मूला था अंडर रूट क्या के नहीं आएगा बेटा, ये सी बाई आई आएगा। वहां पर था ओमेगा का फॉर्मूला अंडर रूट के बाय एम, यहां पर ओमेगा का फॉर्मूला है अंडर रूट सी बाय आई। मुझे बताइए कोई डाउट? पक्का? अच्छा सर इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन भी वही बनेगी जैसे था हमारे पास में एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वैसे ही यहां पर है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। थीटा नॉट मैक्सिमम एंगल और फाइव इज द इनिशियल फेज। अब पता है दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है कि हम यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं फेज एंगल और जो एंगल ट्रेवल्ड है उसमें। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। देखो यार मान के चलिए ये मेरा एस एच एम है और ये मैक्सिमम 10 डिग्री तक जा रहा है। हाँ 16 डिग्री से ऊपर तो माना भी नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम 10 डिग्री तक जा रहा है, समथिंग लाइक दिस। अच्छी बात है, मैक्सिमम 10 डिग्री। तो गाइस एक पॉइंट समझने की कोशिश करना, जब ये यहां पर होता है तो 10 डिग्री पर ये ट्रेवल एंगल कितना है? 10 डिग्री। अच्छी बात है, ये यहां पर 10 डिग्री है। कुछ देर के बाद में यहां पर जब एक पॉइंट आएगा ये हमारा कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 5 डिग्री। ठीक है, होगा ना? कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है? देखो एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा फेज कितना है तो गाइस फेज में मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि मैंने कहां लगाया था, जो कि मैंने लगाया था नॉर्मल एस एच एम में। यानी कि यहां पर जो फेज रहेगा वो रहेगा कितना? 90 डिग्री। और यहां पर जो फेज रहेगा वो रहेगा कितना? 30 डिग्री। आप कहोगे 30 कैसे? क्योंकि देखो हमारे पास में जब थीटा बराबर थीटा नॉट बाई टू है तो ये होता है थीटा नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा नॉट बाई टू, तो ये 30 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो फेज हमारा 90 डिग्री और 30 डिग्री है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा है। तो आपको ये फंडा याद रखना पड़ेगा कि प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द फेज। अगर इतना समझ में आ गया तो मेरी बात मान के चलिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको यहां पर समझने से नहीं रोक सकती। राइट? जैसे
यहां पर वही फॉर्मूले देखो, थीटा बराबर थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये है एंगुलर वेलोसिटी। क्या है ओमेगा थीटा? अब आप कहोगे सर ओमेगा से क्यों नहीं किया, क्योंकि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज हो रहा है, तो ये बन जाएगा ओमेगा थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस। ठीक है एक काम कर लेते हैं, फाइव कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्मूला। अच्छा अल्फा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और ये क्या है? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसे मत बोल देना एंगुलर वेलोसिटी है। सेम काइनेटिक एनर्जी का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, वही फॉर्मूले यहां पर है। अच्छा कोई मैं अगर आपसे पूछूंगा ये डिनोट कर रहा है किसको? एंगुलर वेलोसिटी को। ठीक है क्या मैं इसका एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखिए, कौन मना कर रहा है? वही वाले फॉर्मूले हैं ये, कौन से? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, वही फॉर्मूले यहां पर रिपीट हो रहे हैं। फिर समझने की कोशिश करिए, कोई भी कंफ्यूजन आप मुझे बेझिझक बोल सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली क्लियर। सेम उसी लॉजिक से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। मुझे बताइए क्या इन दोनों में से किसी फंडे में आपको डाउट है, काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो? राइट चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्राइमरी है। पहला सवाल, एक पार्टिकल है मास एम इज सस्पेंडेड एट द लोअर एंड ऑफ अ थिन रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास, द अपर एंड ऑफ द रॉड इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द पेज अबाउट एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, द स्प्रिंग इज अनडिफॉर्म्ड व्हेन द रॉड इज वर्टिकल एज शोन इन फिगर, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। सोचिए क्या आंसर आ रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट, और अगर सोच पाए तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, वो वाली बात तो है ही है, ऑफर तो वैलिड है ही है ना। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। करें करें बोलिए। देखिए सबसे पहला काम क्या काम है, जब मैं इस रॉड को ऐसे लेकर के जाऊंगा, ये मास एम यहां पर है, मैंने मान लिया ये कितना एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, और जब ये एंगल थीटा है तो ये लेंथ हो गई एल, और जब ये लेंथ एल हो गई तो ये बॉटम वाली लेंथ मैंने मान ली कैपिटल एल। अच्छा कई लोग इसमें कंफ्यूज करेंगे कि सर कैपिटल एल तो ये वाली लेंथ है, आप ये वाली कैसे मान सकते हो? फिर मैं उनको समझाऊंगा बेटा कि ये थीटा बड़ा स्मॉल है तो हमारे पास में उससे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अच्छा ये लेंथ मैंने मान ली एक्स नॉट और ये लेंथ मैंने मान ली एक्स। अब निकालते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले एक्स नॉट बाय कैपिटल एल बराबर मैंने मान लिया बच्चों टेन थीटा, तो क्या यहां से एक्स नॉट की वैल्यू नहीं आ जाएगी एल टेन थीटा, या फिर मैं इसे लिखना पसंद करूंगा एल थीटा? वेरी गुड, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, ये वाली बात हमें नहीं भूलनी। आपके जस्ट जी वाले लेक्चर चैनल पे नहीं है तो यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं ना इश्यू, क्यों टेंशन ले रहे हो? राइट मतलब जस्ट जेई वाले लेक्चर्स में क्या है, तुम यहां पर अपना प्यार नहीं दोगे फिर ये भी नहीं रहेंगे, फायदा क्या है? तो यहां पर आके पढ़ो, लाइव पढ़ो, मैंने आपको बोल दिया ना सारे लेक्चर्स में लेने वाला हूं। ठीक है अच्छा आगे बढ़ते हैं, टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? समझने की कोशिश करिएगा, क्या टॉर्क नहीं हो जाएगा एम जी एक्स नॉट प्लस, यहां पर नीचे एम जी लग रहा है ना, प्लस अब देखो यहां पर ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कहाँ है भाई? स्प्रिंग बनाई नहीं हमने, स्प्रिंग बना देते हैं यहां पर, ठीक
यहां पर जो ये स्प्रिंग है ऐसे, ये ऐसे खिंच चुकी है, ओरिजिनली हमारे पास नेचुरल लेंथ में थी, ये खिंच चुकी है, तो ये स्प्रिंग हो जाएगा मेरे पास में कितना, के एक्स मल्टीप्लाइड बाय ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, एल। तो क्या मैं लिख सकता हूं एम जी, एक्स नॉट की जगह मैं क्या डालूंगा बच्चों, कैपिटल एल थीटा प्लस के, एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, अच्छा एक्स की जगह निकाल लेते हैं, एक्स की जगह क्या लिखे हैं, हम लिख सकते हैं क्या, एक्स बाय एल बराबर थीटा, एक्स बराबर भी एल थीटा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, के एल स्क्वायर थीटा, बोले तो एम जी कैपिटल एल प्लस के एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा। सब कुछ तो आ गया भाई, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिख दें एक लाइन में ही आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है, टू पाई अंडर रूट में, अंडर रूट में क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम कैपिटल एल स्क्वायर एम जी एल प्लस के एल स्क्वायर, एक लाइन का आंसर। ठीक है, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या है, सिंपल पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम में गाइस हमारे पास में एक पेंडुलम है, मूव करता भी नहीं करता ये, हाँ एक बार करता है बस ऐसे रहता है। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास में क्या है कि एक पेंडुलम है, एक हैवी पॉइंट मास, हैवी इसीलिए ताकि ये स्ट्रेट बना रहे, इस सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल एंड द परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, और उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या बोलते हैं गाइस, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई दिक्कत, या सिंपल पेंडुलम। अब ये कैसे काम करता है समझने की कोशिश करते हैं, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आए तो आप मुझसे बेझिझक पूछिएगा। यहां पर गाइस मान के चलिए नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, तो ये एंगल मान के चलो मैंने मान लिया थीटा, ये एल है, तो ये डिस्टेंस क्या एल साइन थीटा नहीं हो जाएगा, हाँ थीटा बहुत स्मॉल होता है, मैं एल बड़ा बनाया है, राइट, एम एल साइन थीटा नहीं हो जाएगा, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है क्या ये एम जी एल साइन थीटा, बोले तो एम जी एल थीटा नहीं बन जाएगा, और टॉर्क का फॉर्मूला जब ये बन गया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टू पाई अंडर रूट में आई डिवाइड बाई सी, यानी टू पाई अंडर रूट में एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी एल, बोले तो टू पाई अंडर रूट में एल बाई जी होता है। ये तो पहला फंडा हो गया। सेकेंड स्टेप, सेकेंड मेथड, सेकेंड ट्रिक क्या है, मैं इसको मेथड टू से भी कर सकता हूं, कैसे, मैंने इसको हल्का सा थीटा एंगल से ऐसे डिस्प्लेस किया, अब देखो इस बार मैं करूंगा फोर्स वाले मेथड से, कैसे, लेट मी टेल इट टू यू गाइस, इधर लग रही है मेरे पास में टेंशन टी, तो ये बन जाएगा टी कॉस थीटा, ये बन जाएगा एम जी, ये बन जाएगा टी साइन थीटा, एफ कितना लग रहा है, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी को क्या लिख सकता हूं मैं, एम जी बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी एम जी टेन थीटा, टेन थीटा को लिखूंगा मैं एम जी एक्स बाय एल, हो गया फोर्स नेट, और जैसे ही ये आ गया टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टू पाई अंडर रूट में एम डिवाइड बाय एम जी बाय एल, यानी टू पाई अंडर रूट में एल बाई जी, आप कोई भी मेथड लगाइए आंसर एग्जैक्टली सेम आने वाला, ये फंडा हमेशा याद रखिएगा, मुझे बताइए कोई दिक्कत गाइस, पक्का, यही शायद मैंने अगले पेज पे पूरा कराया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, यही मैंने अगले पेज पे पूरा कराया हुआ है, किस तरीके से हमारे पास में टॉर्क निकाल करके आप ओमेगा और बाकी सब चीजों की कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। अच्छा अब हमारे पास में मेढक है, बहुत उछल रहा है ना, इस मेढक से क्या फर्क पड़ा है बेटा, मेढक से ये हो गया है कि पहले हमारा सेंटर ऑफ मास यहां पर था, अब सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर आ गया, राइट, और अगर ये मेढक खड़ा हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास और ऊपर चला जाएगा, तो हमेशा याद रखना कि जो टाइम पीरियड में लेते हैं ना टू पाई अंडर रूट में एल बाई जी, ये होता है एल इफेक्टिव बाई जी, जो कि इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है, तो ये हमारे पास में सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा मेढक का, मेढक और आदमी का,
वहां पर तक की हमें डिस्टेंस लेनी है, कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखते हैं और क्या क्या फंडा है। एक क्वेश्चन पूछा था 2001 जेई में, एडवांस में, एक होलोस्फीयर है जिसमें कि पानी भरा हुआ है और इसमें मैंने नीचे से एक होल कर दिया, एंड इट इज देन हंग बाय अ लॉन्ग थ्रेड एंड मेड ऑसिलेशंस। ये फिर ऑसिलेशन मैं इससे करवा रहा हूं और नीचे से हमारा जो पानी है वो धीरे 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 निकलता चला जा रहा है। तो मुझसे पूछा गया, एज द वॉटर स्लोली फोर्स एंड ऑफ द होल एट द बॉटम, द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन विल, इसके ऑसिलेशन के टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा। ये मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आप मुझे बताइए कि पानी जब ऐसे ऐसे निकलता चला जाएगा तो इसके टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा। जस्ट थिंक अबाउट इट, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। जब पानी यहां से ऐसे निकलता चला जाएगा तो इसके टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा, सोचिए। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो गाइज मैं तो हूं। बोलिए, बोलिए क्या आंसर आ रहा है बच्चा। टाइम दिया हुआ है आपको। चलिए देखो होगा क्या, होगा ये, जैसे जैसे ये पानी खाली होता जाएगा ना, इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर था, फिर सेंटर ऑफ मास और नीचे आएगा, फिर सेंटर ऑफ मास और नीचे आएगा, फिर सेंटर ऑफ मास और नीचे जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट कैसे, डाउनवर्ड। तो एल इफेक्टिव जो है वो बढ़ती चली जाएगी और जब एल इफेक्टिव बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेकिन फाइनली व्हेन एम्प्टी, जब ये पूरा हो जाता है तो सेंटर ऑफ मास विल बी एट व्हाट सेंटर अगेन, T will be same as original। पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा फिर टाइम पीरियड घटेगा। देखो मैंने यहां पर पूरा लिखाया हुआ है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अगर इलास्टिसिटी लग जाती है, देखो अब ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि सर बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बस ये फॉर्मूले याद रख लो बहुत है। इलास्टिसिटी लग जाती है तो देखो क्या हो जाता है, नई लेंथ हो जाती है एल प्लस डेल्टा एल, यानी कि एल प्लस एम जी एल अपॉन ए वाई, है ना। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है 2 पाई अंडर रूट में एल डैश बाई जी, बोले तो 2 पाई अंडर रूट में एल। एक काम करते हैं रूट जी को उधर लिख लेते हैं, ठीक है, रूट जी को उधर लिख लेते हैं, उधर लगा देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। कोई दिक्कत किसी को, होगी भी तो भी तुम बोलोगे थोड़ी। तो ये बन जाएगा क्या, एल प्लस एम जी एल डिवाइड बाई ए वाई की पावर 1/2। तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय रूट जी मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, रूट एल कॉमन ले लिया, ये हो जाता है 1 प्लस एम जी डिवाइड बाई 2 ए वाई। तो ये आंसर आ चुका है, राइट। एक एक छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ज्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, बस आप उनको वैलिड करते चले जाओ, आपका आंसर आता चला जाएगा, क्या बुराई है। मैंने बोला ना ज्यादा आपको दिमाग लगाना भी नहीं है, छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप देखते चले जाओ। और देखते हैं, अगर लेंथ बहुत ज्यादा लार्ज हो, तो पेंडुलम की लेंथ बहुत ज्यादा लार्ज हो, अगेन आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आपके पास में ये फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट में 1 डिवाइडेड बाय जी 1/L+1/R। देखो यहां पर फिर बहुत सारी चीजें हैं, अगर मेरे पास में एल की वैल्यू आर से बहुत कम है
वन बाय एल इज वेरी ग्रेटर देन वन बाय आर, तो ये बन जाता है टी बराबर टू पाई रूट एल बाई जी, एक लाइन का आंसर। और अगर मेरे पास में एल की वैल्यू आर के बराबर है तो ये फॉर्मूला आ जाता है, और अगर एल की वैल्यू इनफाइनाइट है तो मेरे पास में फॉर्मूला आता है टू पाई अंडर रूट में आर बाई जी, और इसकी वैल्यू है 84.6 मिनट। 84.6 मिनट, इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर मैं एक इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम ले लेता हूं तो उसका टाइम पीरियड हमारे पास में कितना होगा, 84.6 मिनट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा, वो तो देखो बोल दो, शर्माना मत। ठीक है, अब बस ज्यादा नहीं बचा है। चेंज इन टाइम पीरियड विद चेंज इन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फॉर्मूले हैं गाइस, ज्यादा आपको मेहनत करनी नहीं है। आपको पता है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई रूट जी, और जब ऊपर हाइट पर जाते हैं, जब हम ऊपर की हाइट पर चलते जाते हैं तो जी डैश का फॉर्मूला होता है जी इंटू वन माइनस टू एच बाय आर। उसी फॉर्मूले को अंडर रूट के अंदर डाल दिया तो मेरे पास में यही फॉर्मूला हो जाता है। हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला कब तक वैलिड है, एच की वैल्यू 320 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, शॉर्टकट फॉर्मूला। दूसरा है जमीन के अंदर जाने पर, ये फॉर्मूला मेरा ऑलवेज वैलिड है, क्या है, टू पाई अंडर रूट में एल बाई जी, यहां पर आ जाएगा आर अपॉन वन माइनस डी। वन नहीं होगा ये, जहां तक मुझे पता है ये रहेगा क्या, आर अपॉन आर माइनस डी। कोई दिक्कत, दोनों फॉर्मूले बस याद रखने। इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होता है, हमें पता है टू पाई अंडर रूट में वन अपॉन जी इफेक्टिव, तो अगर लिफ्ट ये नीचे की तरफ जा रही है इधर लगेगा एम जी, ऊपर की तरफ एम ए लग जाएगा सूडो फोर्स, टाइम पीरियड बन जाएगा टू पाई अंडर रूट में एल डिवाइड बाय जी माइनस ए। और अगर ये लिफ्ट ये नीचे की तरफ जा रही है तो गाइज ये दो अलग केस हैं, ये वाला ए इज ग्रेटर देन जी के लिए है, यहां पर ए इज लेस देन जी के लिए है। और अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है तो मेरे पास में इधर लगेगा एम जी, इधर लगेगा एम ए, और ये बन जाएगा नेट जी इफेक्टिव एम अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपके पास में ये फॉर्मूला यहां पर वैलिड है। अब मुझे बताते चले जाइए कि सर मुझे यहां तक डाउट आ रहा है, आप मैं नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंक्लाइन प्लेन पर लेके जाते हैं, आपको बताएं इंक्लाइन प्लेन पर जब एक पार्टिकल चलता है तो यहां पर जी इफेक्टिव कितना होता है, इधर की तरफ जी कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि इधर लगेगा जी साइन थीटा, एक्सलेशन होगा इसका जी साइन थीटा से, सॉरी एम जी साइन थीटा, और पीछे की तरफ लगेगा एम ए जो कि रहेगा एम जी साइन थीटा। ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बचता है केवल जी कॉस थीटा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है अंडर रूट टू पाई अंडर रूट में एल डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। और अगर यहां पर फ्रिक्शन है तो यही फॉर्मूला चेंज होके बन जाता है टू पाई अंडर रूट में क्या, एल डिवाइड बाय जी कॉस थीटा अंडर रूट में वन प्लस म्यू स्क्वायर। मुझे बताइए कितने बच्चों को यहां तक कोई दिक्कत, इफ नॉट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट, सॉल्व करिए। सो गाइस, क्वेश्चन हमें दिया है, अब सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज मेड टू ऑसिलेट विद अ सॉलिड स्फीयर डेंसिटी डी इन अ नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। तो यार देखिए, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मेरा फंडा सिंपल है। कैसे कि मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं कराऊंगा इसका एसएचएम, जब करेगा तो नीचे की तरफ तो लगेगा एम जी और ऊपर की तरफ लगेगा बायंसी फोर्स, तो मेरे पास में एफ नेट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एम जी माइनस एफ बी। बोले तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, एम जी माइनस एफ बी। सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी मुझे दे रखी है डी, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है रो, तो क्या बन जाएगा, ये एम जी को एम जी लिख दे देंगे, माइनस बायंसी फोर्स की हम क्या करेंगे, रो मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम बाय डी जी, तो ये बन जाएगा एम जी वन माइनस रो बाय डी, और यहीं से हम निकालेंगे टाइम पीरियड टू पाई अंडर रूट में एल डिवाइडेड बाय जी वन माइनस रो बाय, दैट्स इट।
अभी यार क्वेश्चन आप करो, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको आप ट्राई करिए। हम बढ़ते हैं अपने कंस्ट्रेंट पेंडुलम की तरफ। देखो तो कई सारे केसेस करेंगे अभी तो हम। कंस्ट्रेंट पेंडुलम क्या होता है? कंस्ट्रेंट पेंडुलम, कंस्ट्रेंट पेंडुलम में गाइस आप इसको एक डायरेक्शन में रोक देते हो, समथिंग लाइक दिस। कैसे करेंगे डील? मैं आपको बड़ा शॉर्टकट का तरीका बताता हूं। शॉर्टकट का तरीका क्या है समझने की कोशिश करिएगा। देखो मान के चलिए ये ऐसे जा रहा था मैक्सिमम इस वाले एंगल तक। कितना जा पा रहा था ये जा रहा था थीटा नॉट तक। तो हम ये देखेंगे ये अल्फा तक कितना टाइम लगाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से मेरे पास में आ जाएगा टी का फॉर्मूला साइन इनवर्स अल्फा बाई थीटा नॉट डिवाइड बाई ओमेगा। ये होता है टाइम। अब वही फॉर्मूला तो मैंने यहां पर लगाया है, साइन इनवर्स अल्फा बाई थीटा नॉट बाई टाइम। अब ये अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली? ये अल्फा तो हमारे पास में है, थीटा नॉट की वैल्यू निकाल ली है यू बाई रूट जी एल। ये आपको देखना है कैसे, राइट। सेकेंड पेंडुलम के बारे में जान लेते हैं। अब तो देखो छोटी छोटी चीजें बची है, ज्यादा जो मेजोरिटी पोर्शन था वो तो खत्म हो ही चुका है, ठीक है। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, कैसे काम करता है, कंस्ट्रेंट पेंडुलम क्या होता है, लास्ट में कॉम्बिनेशन के सवाल कर लेंगे कुछ। देखो सेकंड पेंडुलम हमारे पास में सबसे पहली बात तो ये है कि जो घड़ी में होता है ना जो पेंडुलम, वो बताता है ये सेकंड पेंडुलम। और इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें दिया है, वो दिया है 2 सेकेंड। इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मुझे क्या दिया है? 2 सेकेंड, राइट। एक बार में इधर, एक बार में उधर, एक बार में इधर, एक बार में उधर। लेंथ इसकी होती है 0.993 मीटर। आपने कभी शायद देखा होगा छोटी छोटी पेंडुलम घड़ी आती हैं, वो गाइस एक्चुअल पेंडुलम क्लॉक नहीं होती। एक्चुअल पेंडुलम क्लॉक का जो लेंथ है वो एग्जैक्टली कितना होगा? 0.993 मीटर। अरे कहां से आया? ये आया है यहां से 2π√L/g। तो मैंने टी को कर दिया 2 = 2π√L/g। 2 से 2 चला गया तो मेरे पास में L का फॉर्मूला हो जाएगा G डिवाइड बाय पाई स्क्वायर, बोले तो 0.993। अच्छी बात है, देख लीजिए। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या फर्क पड़ेगा? हालांकि ये हम पढ़ेंगे कहां पर? थर्मल एक्सपेंशन में, जल्दी इसका सेशन भी आएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा फंडा जान लेते हैं, इस पर फर्क क्या पड़ेगा? टी डैश का जो फॉर्मूला हो जाएगा टी इंटू 1 + α/2 ½ α del θ। अब ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इसको तभी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे बताइए क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट आया? यहां सर मुझे समझ में नहीं आया, आप प्लीज समझा दीजिए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? पक्का? चलिए अब आते हैं कुछ नए क्वेश्चंस पर। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड अर्थ। सोचिए एक मूवी थी, मुझे यह शायद याद आ रहा है, टोटल रिकॉल। एक मूवी थी मुझे शायद याद आ रहा है, टोटल रिकॉल। आप सभी को याद है कि नहीं है मुझे बस ये बताइए। एक मूवी थी टोटल रिकॉल, और इस मूवी में क्या था? उस मूवी में हमें एक, मुझे जो इंसिडेंट याद आ रहा है, उस मूवी में ये था कि अर्थ के 2 पार्ट हो चुके हैं, और 2 पार्ट में कुछ ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर के ब्रिटेन के बीच में एक टनल बनाई गई थी। एक कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चंस है कि अगर हम अर्थ के दोनों ओर एक टनल खोद दें तो आपको कितना टाइम लगेगा इधर से उधर क्रॉस करने में? क्या फंडा रहेगा उसके पीछे? निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं मान के चलता हूं ये हमारा सेंटर है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस ऊपर यहां पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और एक्सलरेशन मेरे पास में हो जाएगा जी डैश। ये कितना है गाइस? ये है मेरे पास में जी कैपिटल एम एक्स डिवाइड बाय आर क्यू। अच्छी बात है। तो यहां पर ये मेरे पास में आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम एक्स बाय आर क्यू, और यहीं से फॉर्मूला निकलेगा इसका
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स जी बाय आर, जी एम बाय आर स्क्वायर को जी लिख लिया, और यहां से मेरे पास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई अंडर रूट में आर बाय जी, यानी कि 84.6 मिनट। सोचिए आप यहां से कूदे अर्थ से, आप दूसरी साइड में केवल 42 मिनट के अंदर पहुंच जाओगे, ओनली 42 मिनट। फिर वहां से आप लेकिन पार नहीं करोगे, फिर इधर जंप मार के इधर आ जाओगे 42 मिनट, और ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करते रहोगे। किसी के दिमाग में आता है कि सर एक काम किए रहे हैं, अगर अर्थ के आर पार टनल नहीं खोदी जाए, थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में खोद ली जाए, समथिंग लाइक दिस, तो क्या टाइम पीरियड का कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें क्या था, मैंने जो टनल थी वो अर्थ के आर पार खोदी थी, राइट, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक के लिए मैंने टनल खोदी थी। अब मेरे पास में क्या है, अब जो मैं जो टनल खोद रहा हूं वो एक साइड से दूसरे साइड ना होकर के अर्थ के कॉर्ड के अलोंग है, डायमीटर के अलोंग नहीं है, ये अर्थ के कॉर्ड के अलोंग है, ठीक है। अब सर इसको कैसे डील करेंगे, क्या फंडा है, मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा मुझे, राइट। देखो ये कुछ ऐसे है, ये मैंने मान लिया डिस्टेंस डी, ये मान लिया वाई, ये हो गया आर, दिस एंगल इज थीटा। तो जब ये अर्थ से, देखो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है आर, इस पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर की तरफ, कितनी होगी, ये मास एम है तो इधर लगेगा एम जी डैश, और ये एम जी डैश की वैल्यू कितनी है, ये है एम कैपिटल जी एम आर डिवाइड बाय आर क्यू, एम ही है, तो ये बन जाएगा कितना, स्मॉल एम जी आर डिवाइड बाय आर। अच्छा लेकिन हमारे पास में अलोंग दिस पाथ, पाथ तो वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है ना, तो फोर्स कितना लगेगा, ये लगेगा एम जी डैश कॉस थीटा, ये मैंने लिख लिया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एम जी आर बाय कैपिटल आर, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, वाई बाय आर, यानी के एम जी वाई डिवाइड बाय कैपिटल आर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आगे कितनी, जी बाय आर, तो टाइम पीरियड फिर से वही आ गया 2 पाई अंडर रूट में आर बाई जी, यानी कि आप डायमीटर के अलोंग टनल बनाओ या फिर एक कॉर्ड के अलोंग टनल बनाओ, आपका जो टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। मुझे बताइए कितने लोगों को यहां तक दिक्कत है, पक्का एस एच एम ड्यू टू फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छोटे छोटे, एस एच एम ड्यू टू फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, क्या आंसर आएगा सर इसमें, कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, यहां पर नीचे लगेगा एमजी, ऊपर लगेगा बायंसी फोर्स, अच्छी बात है। जब मैंने इसको पानी के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डुबो दिया तो बायंसी फोर्स की जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी रो ए वाई मल्टीप्लाइड बाय जी। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई, आ गई, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है 2 पाई अंडर रूट में एम डिवाइड बाय के, 2 पाई अंडर रूट में मास कितना है सिग्मा ए एल, ये कितना है रो ए जी, आंसर वेरी गुड, क्या आ रहा है 2 पाई अंडर रूट में सिग्मा एल बाय। एक और क्वेश्चन यूट्यूब का, नॉट डेट जिस पर हम पढ़ रहे हैं, यूट्यूब मतलब दो उसके सिरे हैं और ये इधर से उधर मूव करता रहता है, समथिंग लाइक दिस, कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है, दिख रहा है। तो आपको क्या निकालना है, आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है, आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है। देखो गाइस इनिशियली सब कुछ बैलेंस था, राइट, अब होता क्या है, एक साइड से नीचे जाता है दूसरे साइड से ऊपर जाता है, दूसरे साइड से नीचे जाता है एक साइड से ऊपर आता है। अब देखो हम एक रेफरेंस पॉइंट तो मान के चलेंगे ना, ये है मेरी रेफरेंस लाइन, मैंने एक साइड से नीचे लेकर चला गया दूसरी साइड से ऊपर लेके चला गया, तो अगर ये मेरे पास में एक्स है तो ये डिस्टेंस भी एक्स ही होगी, एग्रीड और नॉट, फटाफट से बताइए होगी कि नहीं होगी, यस। टोटल मास कितना एक्स्ट्रा लिया आपने,
टोटल मास इसका है, अच्छा ये लेंथ मैंने मान ली एल, बीच वाली टर्म को हम नेगलेक्ट करेंगे, टोटल मास मेरे पास में आ गया 2L a रो। कितना फोर्स एक्स्ट्रा है इसकी वजह से, mg की वजह से कितना फोर्स एक्स्ट्रा है? फोर्स एक्स्ट्रा आएगा 2 टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय रो g। कितना फोर्स एक्स्ट्रा है? तो गाइस टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है, 2 पाई अंडर रूट में m डिवाइड बाय k। 2 पाई अंडर रूट में मास कितना है, 2L a रो। ओके कितना है, जो भी प्रोपोर्शनल में आ रहा है, 2A रो g। क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट में क्या हो गया, L/g। यूट्यूब का भी सेम आंसर आता है। एक लास्ट टाइप का पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम। कई बच्चे कहेंगे सर ट्विस्टिंग पेंडुलम नहीं, ट्विस्टिंग भी कर लेंगे। कंपाउंड पेंडुलम का फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा है, सुन लीजिए, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं बताऊंगा ही। सपोज करिए सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है mg, ये डिस्टेंस हो गई L sin थीटा। तो गाइस टॉर्क हमारे पास में कितना है, mgL थीटा, साइन थीटा का थीटा, और टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई अंडर रूट में i डिवाइड बाय, मतलब i अबाउट हिंज डिवाइड बाय। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहा तो आपके सारे क्वेश्चंस सारे ऑल सॉल्व हो जाएंगे। अब इसको कैसे करेंगे डी, लेट मी टेल इट टू यू, समझने की कोशिश करें। 2 पाई अंडर रूट में i डिवाइड बाय हिंज डिवाइड बाय mgl, समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात, अगर ये एल के बराबर है, ये तो गाइस प्रैक्टिकल ही है, अगर ये एल के बराबर है तो टाइम पीरियड हमारा मिनिमम रहेगा। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक रॉड है जिसको मैंने सेंटर से L/3 पर हिंज किया हुआ है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में सेंटर ऑफ मास के अबाउट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आंसर L/3। तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में, क्या आंसर आ रहा है गाइस, ये ML² बाय 12 प्लस ML² बाय 9 डिवाइडेड बाय mgL/3। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है पक्का? अगर ऐसे रिंग बांध देता तो ये हो जाता है 2 पाई अंडर रूट में 2 mr² डिवाइड बाय mgr। की बात है। चलिए टॉर्शनल पेंडुलम में क्या है, टॉर्शनल पेंडुलम का गाइस साफ साफ है, जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -θ होता है, जैसे हमारे पास में वो था नॉर्मली रोटेशनल पेंडुलम का था, तो वही फॉर्मूले से टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट में i बाय k, उसी फॉर्मूले से एग्जैक्टली। कोई दिक्कत, श्योर? चलिए गाइस फाइनल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, और फिर इसे फिनिश करेंगे और जीत का जश्न का आनंद उठाएंगे। क्या क्या फंडे हैं, फॉर्मूले याद पढ़ लीजिए बहुत है इसमें, कि अगर मैं 2 SHM को सेम डायरेक्शन में ऐड कर देता हूं तो क्या होगा, मतलब 2 SHM है सेम डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी, समथिंग लाइक दिस। अब यार मुझे एक बात बताइए बच्चों, कि ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, बी वेक्टर है 5i कैप प्लस 6j। मैं आपसे बोलता हूं कि ए प्लस बी निकालो, आप क्या लिखोगे, 8i कैप प्लस 10j कैप। और ए प्लस बी जो है इसका एक्स कंपोनेंट बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर मैं सेकेंड स्टेप कहता हूं कि ए का एक्स कंपोनेंट और बी के एक्स कंपोनेंट को ऐड करो, आप लिखोगे 3 प्लस 5,
यानी एट आई क्या, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, कि अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करने के बाद उसका कंपोनेंट निकालूंगा या फिर दो वेक्टर के कंपोनेंट को ही ऐड करूंगा, मामला सेम है। फिर सुन लीजिए, दो वेक्टर को ऐड करने के बाद उसका कंपोनेंट निकालूंगा या फिर दो वेक्टर को ही ऐड कर दूंगा, मामला हमारे पास एग्जैक्टली सेम है। वही कहानी तो मैंने यहां पर डिस्कस करी है, एग्जैक्टली सेम स्टोरी। यहां पर मैंने बस क्या किया है, दो वेक्टर के कंपोनेंट को ऐड करना यानी SHM को ऐड करने की बजाय वेक्टर को ऐड कर दीजिए, A1 और A2, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला, और फाइनली उसका आंसर निकाल लीजिए। बस आपको इतना करना है। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, सिंपल सा है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा, वो भी अंडर रूट के अंदर। वेरी गुड। दूसरा, अगर दो SHM है लेकिन उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो रिजल्टेंट हमारा SHM नहीं रहेगा। ये भी समझ में आता है। तीसरा, दो SHM है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और सेम फ्रीक्वेंसी। फिर सुन लीजिए, अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो कोई SHM नहीं होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है यानी एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक वाई एक्सिस के अलोंग। बस गाइस, ये लास्ट दो केसेस और हैं, इसके बाद के एग्जांपल हैं वो मैं ब्लास्ट के नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे ये वाला है। अब आपको क्या करोगे इसमें, ये हो गया दो, ये चार वाले का फेस कितना है, π/3। आप दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो, दो और चार को जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो, ये आपका इनेट आ जाता है। इस तरीके से कर, ठीक है, इनको ट्राई करिएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, फिलहाल मैं आपको एक चीज समझा देता हूं बस, कि मेरे पास में दो वेक्टर हैं जैसे A1 sin ωt एंड A2 sin ωt + θ। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो गाइस रिजल्टेंट हमारा SHM ही रहेगा, कुछ इस तरीके से। आप देख लीजिए, A1 sin ωt A2 sin ωt डिवाइड कर लीजिए, SHM। लेकिन अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ये गाइस बन जाता है क्या, इनका जो रिजल्टेंट है वो बनेगा एलिप्टिकल मोशन एंड विल नॉट बी SHM। बस आपको ये याद रखना है, बाकी फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पर दिए हुए, ठीक है। देखो इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, रिजल्टेंट मोशन दिख रहा है कि SHM नहीं है, क्या है, एलिप्टिकल मोशन। चलिए गाइस, ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, बाकी अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आपको क्या करना है पता ही, आपको आस्क का डाउट हमसे पूछिए, फोटो खींच के डालिए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा बैचेस ऑलरेडी हमारे स्टार्टेड हो ही चुके हैं, लक्ष्य बैच वगैरह, ठीक है। अनएकेडमी का यूसेट भी आपको देना है, प्रोडिजी के बारे में स्टार्टिंग में मैंने बताया, जो बैचेस अप्रैल में स्टार्ट हुए हैं 13, 14, 16, वो बैचेस आपके यहाँ स्क्रीन पर दिए हुए हैं। एंड बाकी अगर कहीं कोई इश्यू आए तो यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। एंड थैंक यू गाइस फॉर दिस। हाँ अच्छा, एक बात बताना आपको भूल गया था, उसके प्रोडिजी के रजिस्ट्रेशन कर लेना जल्दी से फटाफट से, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस कर ही लिया था, उसी बात को ध्यान में रखते हुए जितनी जल्दी हो सके फटाफट से रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना। ओके, गुड बाय गाइस, टेक केयर।